अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। ओके सर। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। क्या है? बैग में क्या है? बैग को बाहर निकालो, चलो बाहर निकालो। ध्यान रख। खोल रहा हूँ, खोल रहा हूँ। जल्दी कर। अरे एक मिनट ठहरो। खोला।
ओहो दुर्जन, दुर्जन, ए घर नीचे। खुशी हुई इतने दिनों बाद तुम्हें देखकर। दुर्जन मेरे भाई, ए घर नीचे, एड़ा है ये। अपनी खुशी को संभाल के रख, बाप बनने पे काम में आएगी। तेरा हमारा रिश्ता दोस्ती का नहीं, सौदेबाजी का है। विलायती जी, इसमें सोना हीरे जवाहरात हैं। बाजार में इसका भाव 50 करोड़ है। इसे बेचना तेरा काम है। 10% अपना कमीशन रख के बाकी का पैसा वहां पहुंचा देना जहां मैं कहूंगा। बिल्कुल। अरे हमारी पहले भी तो डील हुई है, लेकिन मैंने कभी चीटिंग नहीं की। जानता हूं, वो छोटे मोटे धंधे थे, ये पूरा 50 करोड़ का है। 50 करोड़ की चमक जब आंखों को सताए, बेईमानी दिल में आए, तो बस मेरे बारे में सोच लेना। जब मैं 4 साल का था तो हमारे गांव में एक सांप ने बहुत आतंक मचाया हुआ था। काला सांप, कोबरा। फिर वह सांप अचानक हमारे घर में घुस गया। सुबह आंगन में उसकी लाश पड़ी हुई थी, काले से नीला हो गया था। मेरी माँ ने कुछ दूध कटोरे में डालकर रखा था, उसने चख लिया और मर गया। जानते हो क्यों? क्योंकि वो दूध मेरा झूठा था। तब 4 का था, अब मैं 40 का हूं। ऊपर से लेकर नीचे तक शहर से भरा हुआ मैं हूं किंग कोबरा, याद रखना। 50 करोड़! लेकिन ये हर बात को निबंध की तरह क्यों बोलता है? सीधे भी तो बोल सकता है कि मेरा झूठा दूध पीने से सांप मर गया। कुछ भी होगा जिराज, जल्दी से इसकी डील फाइनल करके इससे छुटकारा पाओ। इतना चबा चबा कर मत बोलो रंजीत। सॉरी। ये नहीं जानता, जब मैं 4 साल का था तो क्या करता था? मुझे पता है, जब तुम 4 साल के थे तो इंडिया गेट पे गजरा बेचा करते थे गजराज। इसका कितना? 7000। तू तो बहुत महंगा निकला रहे। नो प्रॉब्लम एट ऑल। आई सेठी, हाय। पहले बिल फिर हिल। सेठी, मैंने तो एक्चुअली सिर्फ 15,000 का माल लिया है, लेकिन आपने जो कल ज्वेलरी की दुकान से अपनी गर्लफ्रेंड मोना के लिए जो सामान लिया है, जरा सोचो अगर भाभी जी को पता चल गया तो बेचारी को जोर का झटका तो लगेगा ही। लग गया झटका उसको। क्या मतलब? वो देख। ये कब हुआ? 1 महीना हो गया। ज्यादा ही जोर का झटका लगा है ना? अब इसको पकड़िए, मैं भाभी जी के आत्मा के लिए प्रार्थना करके आता हूं। एडी, ए पकड़ो उसको, पकड़ो, पुलिस पुलिस। अच्छा, ओ आज छोड़ूंगा नहीं साले को। कहाँ गया? सरेंडर कर नहीं तो एनकाउंटर कर दूंगा। अरे भाग के कहाँ जाएगा, मोहल्ला थोड़ी छोड़ देगा तू। ठहर जा। अच्छा इधर छुपा बैठा है। आज काम तमाम कर देंगे, आप अकेले नहीं, हम आपके साथ हैं। तुम उधर से कवर करो भाई, मैं इधर से कवर कर रहा हूँ। क्या कर रहा तू? चल। औकात क्या है? चूहे की। अरे इधर पीछे है वो। हाँ, चिंता मत कीजिए सर। निकल। आ रहा है, इधर आ रहा है। सर हम डटे हुए, मोर्चा संभाले हुए, भागने नहीं देंगे साले को। आ रहा, आ रहा, आ रहा। मतलब
फीमेल, तुम मुझे क्या देख रहे हो, बोलोगी? वही लगी थी वो। अरे क्या उलझुल उल बकरे हो तुम लोग, तुम लोगों को कैसे मालूम कि वो चूहिया ही थी? सर जी एक बात बताना, जब आप रात को सोते हो तो वो आपके पैर के नीचे आके गुदगुदाती है? करेक्ट। कभी कभी कान के नीचे आके शरारत भी कर देती होगी? करेक्ट। कभी कभी रुमाल भी छुपा के भाग जाती होगी? हाँ, इस बात का इंडिकेशन है कि वो चरित्रहीन चूहिया ही थी और आपका चरित्र खराब करने आई थी। अरे ये बताओ तुम लोग हो कौन? जी हम फटाफट पेस्ट कंट्रोल की तरफ से आए, आपने फोन किया था? मैंने फोन तो नहीं किया था, लेकिन अच्छा हुआ कि तुम लोग आ गए। मैं हजारी, तू बोल। मैं मुरारी। जहाँ जहाँ हम पधारे जीव जंतु सब स्वर्ग में सिधारे। अच्छा ये बकवास बंद करो, वो तो भाग गया, उसके रिश्तेदार अंदर ही कहीं होंगे, चलो ढूंढो उनको। सर आप 2 घंटे के लिए बाहर जाइए, हम सब निपटा देंगे। नहीं नहीं भाई, मैं यहाँ रुककर तुम लोगों की मदद करूंगा। नहीं नहीं नहीं, ये जो कीटनाशक है ना, इससे आपके स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़ सकता है। अगर आप लोग दूसरों के लिए इतना जोखिम उठा सकते हो तो क्या मैं अपने लिए इतना सा जोखिम नहीं उठा सकता? सर सही कह रहे हैं। क्या सही कह रहे हैं, घंटा सही कह रहे हैं। चलो भाई काम हो गया। सर क्या मतलब, कुछ किया ही नहीं तुम लोगों ने? सर सही कह रहे हैं। अरे क्या सही कह रहे हैं सर, ये फटाफट पेस्ट कंट्रोल है, 15 दिन में इसका इफेक्ट पता चलेगा। सर ये भी सही कह रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ सर, पैसा मत दीजिएगा। नहीं नहीं नहीं, पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है, आप हमें हाईली कहीं रिकमेंड कर दीजिए। अरे जो कुछ मिले वो तो ले लो। अरे इनके पैसे से तुम घंटा उगाड़ लोगे, चलोगे कि नहीं? सर अगर हमें अच्छी जगह रिकमेंड कर देंगे तो मालूम है लाइफ पॉलिश हो जाएगी हमारी, है ना सर? एक जगह है जहाँ तुम लोगों की जरूरत है। क्या है, क्या है, कौन है, क्या हुआ, क्या हुआ कुसुम, क्या हुआ, कौन है? कॉकरोच। कॉकरोच? अरे मुझे तो लगा कोई शेर चीता आ गया, जो तुमने इतना दहाड़ दिया। कितने दिनों से मैं कह रही हूँ कि पेस्ट कंट्रोल करा दो। मुझे अच्छी तरह से याद है, आपने कहा था कि आप छिपकली और कॉकरोच से बहुत परेशान हैं। कुकी जी। कुकी? कुकी कौन है? कुकी मैं हूँ। तुम? थैंक यू पीपी। पीपी? पीपी मैं हूँ। कौन? पीपी मैं हूँ। भाभी जी मुझे प्यार से पीपी कहती है। ओ, कुकी पीपी, पीपी कुकी। और ये दो आइटम कौन है? आइए श्रीमान बताइए। ये फटाफट पेस्ट कंट्रोल है जी। मैं हजारी हूँ। और मैं मुरारी। अरे वाह 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 वाह, ये दोनों कर देंगे फटाफट पेस्ट कंट्रोल। लेकिन उसके लिए आपको 4 घंटे के लिए बाहर जाना पड़ेगा। बाहर जाना पड़ेगा क्यों? बर्दाश्त नहीं होगा ना सर, 2-4 घंटे के लिए शॉपिंग कर लीजिए। कुकी जी को फिल्म देखनी है, कह रही थी बहुत दिन से फिल्म नहीं देखी। अच्छा भाभी जी हैं? अरे ये हमारा घरेलू मामला है। अच्छा पता है हमें बहुत प्यार आदर और सत्कार से रखा हुआ है इस घर में। 13 साल से मैं इनके अंडर काम कर रहा हूँ, उसके पहले 7 साल तक ये। अरे मैं तो कहता हूँ अगर हमें फिल्म देखने जाना है डार्लिंग तो बहुत देर हो जाएगी, लेट्स गो। तुम पीपी मतलब प्रलय प्रताप, इन दोनों लोग पे ध्यान रखना। जी आप कुकी जी का ध्यान रखना। दैट आई विल, कम ऑन डार्लिंग। थैंक यू पीपी, बाय बाय कुकी जी। शुरू करो। ये कमिश्नर है कि घंटा, यही काम संभालता है। दबान संभाल के बात कर। अबे मुरारी, भाभी जी कमाल कमाल है, साड़ी कहाँ सुखाती होंगी? फ्रिज में। क्या लंगूर की तरह लटके हो, घर बाल पर बड़ा है। हाँ बड़ा है। तुम लोगों ने अपनी फीस नहीं बताई। अरे कमिश्नर साहब ने भी तो कहा अपनी सैलरी बताई। अरे कमिश्नर साहब की सैलरी से आपकी फीस का क्या लेना देना, चलो काम शुरू करो। चलो चलो। अरे यहाँ काम नहीं हो सकता। क्यों 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 क्यों? अरे लाल बाबा का प्रकोप है। क्या बात, क्या बात कर रहे हो? अरे भूल गए लाल बाबा को, क्या बात कर रहे हो? सर जी यहाँ लाल बाबा का प्रकोप है, यहाँ हम जीवन भर पेस्ट कंट्रोल करते रहेंगे, पूरा घर खोद करके कब्रिस्तान बना देंगे, फिर भी जीव जंतु बैठ के यहाँ आपके साथ संतरा और अंगूर खाएंगे। क्या मतलब? मतलब काम नहीं हो सकता। ऐसा कैसे बोल रहे हो, मैंने कुकी जी से प्रॉमिस किया है। आपको अपने प्रॉमिस की पड़ी है? वहाँ लाल बाबा चौराहे पे बैठ के हाथ जो दिखा रहे हैं उसका कुछ नहीं। अरे लाल बाबा है कौन? तुम बैठ के हाँ मैं हाँ क्या बोल रही हो, कुछ बताओगी लाल बाबा के बारे में? लाल बाबा कुल देवता है जीव जंतुओं के, उनका प्रकोप है इस घर में। लाल बाबा को शांत किए बिना जीव जंतुओं को निकालना उतना ही मुश्किल है जितना इंडिया के लिए दाऊद को ढूंढना। लाल बाबा शांत कैसे होंगे ये तुम बताओ। अरे हमको क्यों डांट रही, कोई मेरा घर है, इनसे कहो इमली के 8 बीज लेकर के 11 अलग अलग कुओं में डालें और पलट के ना देखें। अब ये 11 कुएं मैं कहां से ढूंढूं, कहां से लाएं 11-12 कुएं? सर उसका भी तोड़ है, एक अंग्रेज के काले कुत्ते को बिस्किट खिलाओ, 2 बार करो उसके बाद पैर छू लो, काम हो गया। सर ठीक है, कुकी जी के लिए मैं काले कुत्ते के पैर भी छू लूंगा। जी तुम लोग ऐश करो, संतरे लपेटो। जी जी हम सब लपेट रहे हैं सर, चिंता मत करो। बकवास। देखो कुसुम आपको फिल्म देखनी थी, हमने देखा दी, अगली बार हमें टॉर्चर मत करना। थैंक यू।
I like the film. Disgusting. मैं तो कहता हूँ फिल्मों में पुलिस को इतना घटिया क्यों दिखाते हैं वो लोग? है? अगर आम जिंदगी में कोई चोरी कर ले तो पुलिस तो उसकी वाट लगा दे। ये किसका घर है? राम, क्या होगा? प्रलय प्रताप। मैं आ गया सर, यहाँ का सब हो गया? हो गया, सब साफ हो गया। मुझे पता था, मैंने आपसे पहले ही कहा था, बड़े गुणी लोग हैं। अरे साफ हो गया का मतलब सब कुछ साफ करके चले गए, चोर थे वो लोग। मेरे 25 सैंडल भी। क्या? कहाँ गए थे तुम? कहाँ गए थे उस वक्त? हनीमून पे? ओ, उन लोगों ने मुझे डिफिकल्ट काम देकर यहाँ से फुटा दिया और पूरा माल साफ करके ले गए सर। इसका मतलब वो लोग चोर थे सर। अरे भैया, अरे भाई, एक एक करके पूछो ना। शहर में अगर खुद पुलिस कमिश्नर का घर सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा? उन चोरों को पकड़ने के लिए क्या अब पुलिस प्राइवेट एजेंसी हायर करेगी? देखिए, इस तरह की घटनाओं से कमिश्नर साहब की योग्यता पर सवाल नहीं उठा सकते। इनके शहर में आने के बाद सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है, अपराध कम हुए हैं। अरे साहब बहुत अच्छे हैं, पिछले 13 साल से हम उनके नीचे काम कर रहे हैं। उसके पहले 7 साल तक वो मेरे नीचे काम कर रहे थे, मेरे जूनियर थे। एक अच्छे ऑफिसर के हुनर हमने कूट कूट कर भरे हैं उनके अंदर, हमारा बहुत आदर करते हैं। अरे चौकी पर हाजिरी लगाने से पहले हमारे घर पहुंच जाते थे, बर्तन झाड़ू पोछा सब करते थे और तो और लैट्रिन तक साफ कर देते थे। हम सर कितने नासमझ हैं ये लोग, बिल्कुल बच्चे बच्चे भेज दिए। देखिए वो, देखिए पिंक शर्ट वाली को, लगता है स्कूल से भाग गया ये। हेलो, हेलो, प्रलय प्रताप सिंह, मैं क्या करूं तुम्हारा, क्या करूं? जब भी मुंह खोलते हो प्रलय हो जाता है। क्यों क्यों पब्लिक में मुझे ताज पहना रहे हो या मेरी लुटिया डुबो रहे हो? ठीक है, मैंने 7 साल तुम्हारी जूनियरशिप की, लेकिन ये बात तुम दुनिया को क्यों बता रहे हो? फॉर व्हाट? सर ये मेरे भीतर की सूक्ष्म भावनाएं हैं सर, इसे आप अन्यथा ना लें। आपने जो कुछ मेरे लिए किया है वो दिलो दिमाग पे छपा हुआ है सर, अवसर मिलते ही मुंह के रास्ते निकल जाता है। तो रास्ता बदलो, क्योंकि यहाँ मेरा जनाजा निकल जाता है। ऐसी बात नहीं है सर, आपकी छवि में एक नई बात जुड़ती है सर। आप स्वभाव से जितने सख्त हैं, मन से उतने ही कोमल हैं। आपकी महानता की पोथी मेरी जिंदगी से जुड़ी हुई है सर। I understand. हाँ, सर जब मैं बीमार पड़ा था आप मुझे देखने आए थे, आप मेरे लिए फल लाए, दवाइयाँ लाए, फिर आप बाथरूम में जाकर मेरे गंदे कपड़े धोने लगे। वो छोड़ो, मैंने आपसे हाथ जोड़कर विनती की ऐसा मत कीजिए, आप नहीं माने। नहीं, आपने मेरा कच्चा तक धो दिया। वो छोड़ दो, वो भूल जाओ वो बात, ये सब मन में बैठा हुआ है सर। तो मन से उखाड़ दो उसको, प्लीज प्लीज, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ। नहीं नहीं सर, आप मेरी छवि का कुछ तो ख्याल रखिए सर। तो फिर मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेहरबानी करके पिछली पुरानी बातें भूल जाइए। ठीक है सर, मैं याद रखूंगा। अरे लखिया बाबुल मोरे, भाई साहब थूक क्यों रहे हो? अरे गांव के दमाद हैं इसलिए इस पर थूक रहा हूँ, नहीं तो हम लोग डायरेक्ट। हाँ, मुंह पे थूकते हैं ये। हाँ पहचाना? आजारी ये मुरारी। हाँ बोलोगी कुछ? भागो। इनको सोनिया गोली मत चलाना बे। अरे तू क्यों रिवर्स गियर लगा रहा है, जा भाग। सर सीनियर है आप। अरे तू तो सीनियर सिटीजन नहीं है ना, जा पकड़। अरे हजारी धीरे धीरे पूरे छींटे हमारे ऊपर आ रहे हैं। अरे यार छाता लेके क्यों नहीं आई? अरे पका दिया यार इस हवलदार ने। मैं भी पेशाब करूं? यहाँ क्या लिखा है? यहाँ पे पेशाब करना मना है। तो फिर कैसे पेशाब करिएगा? तुम दोनों तो मूत रहे हो। अरे मन पड़े हमारी छोड़ो। अरे तुम कुछ बोलोगी? अरे ये हजारी, हम मुरारी हैं।
हाँ मुद्दे रहो। पूरी टंकी खाली करके आना, उससे पहले जीप मत बंद करना रे। मुझे कुछ नहीं सुनना है। कुसुम कुसुम, मुझे अपनी गाड़ी वापस चाहिए आज शाम। तुम कमिश्नर हो ना पुलिस में? जस्ट गेट माई कार बैक। डार्लिंग तुम पेशेंस रखो, मेरी सारी पुलिस तुम्हारी गाड़ी के पीछे है। अब तुम मेरे पीछे मत पड़ो प्लीज। नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना है। आई वॉन्ट माई कार बैक, दैट्स इट। सर आप चिंता मत कीजिए, ये काम है ना अपने सिंह साहब अच्छी तरह से कर लेंगे। अब वही ढूंढेंगे गाड़ी को। तुम यहीं खड़े रहो। ये पुलिस वाला क्या कर रहा है? ए, चल बाहर निकल। हाँ हाँ, अरे क्यों निकल बाहर? आ गए आने में क्या? अरे वाह प्रभु, प्रणाम। जीते रहो बच्चा, जीते रहो। प्रभु हमारी एक समस्या है। हाँ बोलिए। हमारी गाड़ी चोरी हो गई है। आहा। चोर गाड़ी लेकर भाग गया है। वाह वाह बहुत अच्छे, आपके माथे की ललाट की मुस्कुराहट और कपड़े बता रहे हैं कि आप पुलिस में काम करते हैं। अरे वाह प्रभु। बस आप हमें इतना बताइए, गाड़ी का नंबर क्या था, मॉडल क्या है और कलर क्या है गाड़ी का, बस। अरे ये तो साहब ने बताया ही नहीं हमें। कैसी तो हालत हो गई है तुम्हारी, दिन रात काम काम काम। सही कह रहे हैं आप। आपके जूनियर किसी जमाने में सीनियर बनकर बैठे हैं आपके। ये भी सच है। आप पर रगड़ घिसकी 87.5 चल रही है बेटा। 87.5? हाँ, इसमें क्या होता है, आदमी रगड़ता रहता है घिसता रहता है लेकिन हाथ कुछ नहीं आता। अरे वाह प्रभु, प्रभु आप हैं कौन? वैसे नाम हमारा होता है श्री श्री 75 पदम श्री आबा बाबा चिटानंद। वैसे आदमी तुम हमको जज गए हो भाई, ये मासूम चेहरा खिलता हुआ ललाट, तुम चाहो तो तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। बड़ी कृपा होगी प्रभु। हो गई कृपा, हो गई। देखो बड़े जो गाड़ी देख रहे हो तुम, जिससे हम अभी अभी उतरे हैं और तुम बैठोगे, ये गाड़ी नहीं है, सफलता का वाहन है। वाह। चमत्कार है चमत्कार, जो भी इस पर चढ़ा है बैठा है लेटा है वो सीधा ऊपर पहुंचा। देखो बड़े तुम्हारे लिए कीमत है 1,11,011 रुपए और 11 केले किसी गरीब को खिला देना, ठीक है? मंजूर? मंजूर। बैठो। सर मेरी लॉटरी निकली है, 1,11,011 रुपए में खरीदी है सर गाड़ी। ये गाड़ी तुमने खरीदी? जी। ये गाड़ी? ये सर, जब तक कुकी जी की गाड़ी नहीं मिलती आप ये यूज कीजिए, घर की बात है। ये क्या है? क्या है सर ये? अरे एक गाड़ी दो नंबर सर। एक नंबर के बेवकूफ हो तुम प्रलय प्रताप। ये गाड़ी मेरी बीवी की है, कुसुम की। It's impossible to see myself in this foolish world with this foolish horse. अरे बेवकूफ बनाया सर। आइए आइए, ये खंडर जो है कभी एक महल हुआ करता था, टीकमगढ़ के राजा ने अपने ऐशो आराम के लिए इसे बनवाया। यहीं पर एक अप्सरा का नृत्य देखकर उन्हें उनसे मोहब्बत हो गई। क्या वो उनकी पहली मोहब्बत थी? मोहब्बत तो हमेशा पहले ही होती है, उसके बाद लफड़े होते हैं। अच्छा, तुम्हें मोहब्बत है या लफड़ा? मोहब्बत। किससे? है कोई लफड़े वाली? अब बता भी दो। अरे ऐसे कैसे बता दूं? उसके लिए तो एक हिंदी फिल्म का माहौल चाहिए, बारिश होनी चाहिए, मूड होना चाहिए और एक गाना होना चाहिए। सावन का था महीना, कम सिंसी का हसीना, सावन का था महीना, कम सिंसी का हसीना, बारिश में ऐसे चमकी दे जैसे कोई नगीना, इतनी क्यूट इतनी क्यूट के देखी कभी ना, रोके रोके कोई वही होगी मेरी वाइफ, it's my life, doge doge koi wohi hogi meri wife, it's my choice, it's my life. Why not?
जैसीना सावन का था महीना कम सिंसी हसीना बारिश में ऐसे चमकी रे जैसे कोई नगीना कर उसने मुझसे ये कहा धीरे धीरे सोच कर उसने मुझसे ये कहा तुमको देखा ख्वाब में लेकिन अब तक थे कहा मैंने उसे कहा आशिक हूँ मैं तेरा उसने मुझे कहा I love you, हाँ सावन का था महीना कम सिंसी हसीना बारिश में ऐसे चमकी रे जैसे कोई नगीना इतनी क्यूट इतनी क्यूट के देखी कभी ना ये रोके टोके कोई वही होगी मेरी वाइफ इट्स माय चॉइस इट्स माय लाइफ तो रोके टोके कोई वही होगी मेरी वाइफ इट्स माय चॉइस इट्स माय लाइफ और रोके टोके कोई वही होगी मेरी वाइफ My choice, it's my life. Or okay, okay, koi wohi hogi meri wife. It's my choice, it's my life. कितनी बार समझाया इससे नहीं मिलना? मैंने तुम्हें समझाया था कि मैं तुम्हारी सगाई की बात कर रहा हूँ. Date fix हो गई है. अच्छा? मैंने भी श्रेया से कह दिया है कि उसकी शादी मेरे साथ होगी. मैंने भी date fix कर लिए. काट दिखाऊँ? नहीं. एडी नाम है मेरा. और मेरा नाम प्रलय प्रताप सिंह. पढ़ लो. अगर तूने दोबारा श्रेया से मिलने की कोशिश की तो इतनी दफाएं लगाकर अंदर करूंगा कि जज भी सोच में पड़ जाएगा कि काला पानी भेजूं या फांसी की सजा सुनाऊं. चलो. मामा जी, एडी बहुत अच्छा लड़का है. आपने इसके बारे में गलत सुना है. सुना नहीं, देखा है. FIR दर्ज है इसके खिलाफ. एक नंबर का फांदेबाज है ये. चलो. मामा जी, मामा जी मेरी बात तो सुनिए. हाँ मामा. माँ माँ, दो माँ बनकर पाला है तुझे और इस लफंगे ने तेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है. मैं ये नहीं होने दूंगा. चलो एडी, कुछ करो जल्दी. चलो नहीं तो मामा जी किसी डब्बू के साथ शादी कर देंगे और तुम डब्बा बजाते रहना. बहुत बारीकी से काम किया. खूबसूरत है. अच्छा लगेगा आपके ऊपर. ये कितने का होगा? 20,000. क्या? 20,000 का. 20,000? नहीं बाबा. अच्छा मैम, आप ये वाला देखिए. जल्दी बाबा. इस पर भी बहुत अच्छा बारीकी काम. नमस्ते जी. वाह, क्या बात है. मैं एक एड फिल्म मेकर हूं और मैं फिलहाल एक बहुत बहुत बड़ी एड फिल्म बना रहा हूं जो मुझे एक ऐसे चेहरे की तलाश है जो खूबसूरत हो, सुशील हो, घरेलू हो. और मुझे लगता है कि आपको देखकर मेरी कास्टिंग कंप्लीट होगी. वाह भाई वाह, मैं तो बचपन से हीरोइन बनना चाहती थी. हां, और आज मौका भी मिल गया. लेकिन दिक्कत देखिए है. हाँ? कि मेरा सेट जो है बिल्कुल रेडी है. शॉट भी रेडी है, बस टेक करना है अभी. हाँ? लेकिन मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है, यू नो, नेल्स वगैरह करना है. उसकी क्या जरूरत है, आप वैसे भी इतनी खूबसूरत है. वो तो मैं हुई. तो चले. हाँ चलिए. फिर एक सवाल. सवाल मत करो. वैसे भी बहुत सारे सवालों से गिर चुका हूँ मैं. सालों से एक अच्छी खबर नहीं सुनी. हेलो कमिश्नर साहब, आपकी खूबसूरत बीवी हमारे पास है. मेरा मतलब मेरे बॉस के कब्जे में है. तू कौन है? तेरा बॉस कौन है? एक बार नाम बता, फिर देखता हूँ. अबे देखने दिखाने का काम बाद में. मैं जो बोल रहा हूँ पहले वो सुन. वो क्या है ना, मेरी बॉस और तेरी बीवी का घुटन को काफी समय से चल रहा है. अभी उनको समझ में आया कि वो दोनों जो है एक दूसरे के लिए बने हुए हैं. तू तेरे बॉस का नाम बता. अबे नाम जान के क्या करेगा, तू यहाँ आना, डायरेक्ट बॉस से मिलाता हूँ. और हाँ, डिवोर्स पेपर साथ में लेके आना. क्योंकि आज से तेरे लाइफ की स्टोरी खत्म और मेरे बॉस की लव स्टोरी शुरू. गॉट इट? गुड. जाओ अभी के अभी इस फोन का पता लगाओ. पता लगाओ कहाँ से आया. कम ऑन. अरे ये कपड़े लेकर कहाँ जा रहा है? सर मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ. घर में कोई नहीं है. श्रेया मैडम भी नहीं है. अरे देखो अपने कमरे में होगी वो. सर मैंने वहां पे भी देखा, वो अपने कमरे में भी नहीं है. हेलो मामा. मैं और श्रेया एक दूसरे के साथ
ब्लू हाउस में शादी करने जा रहे हैं। अगर अपने बाप की औलाद है तो वहीं रुकना, भागना मत। अरे भागना होता तो क्या फोन करता? शादी की सारी तैयारियां हो चुकी है, बस आपके आशीर्वाद के लिए रुके हैं। आप आएंगे तो मैं फेरे ले लूंगा। मैं कराता हूँ तेरे फेरे, ऐसा हुलिया बिगाड़ूंगा कि तू शादी के लायक ही नहीं रहेगा। अब मैं आपको शॉर्ट समझाने वाला हूँ। ये लाइट है, वो कैमरा है, वो कैमरा वाला है, और ये ए लाइट चालू करना बॉस, पावन ने हाँ टेक में चालू कर देना। अच्छा शॉट यहाँ से शुरू होता है कि आपके हाथ बंधे हुए हाँ। बंधे हुए ना, वो आपका पर्स यहाँ रहेगा, फिर हमारे हीरो की एंट्री होगी। हीरो की एंट्री होगी, वो चॉकलेट उठा लेगा और खा लेगा, और खाने के बाद उसे ताकत मिलेगी, और उस ताकत से वो सारे दुश्मनों की धुलाई कर देगा यहाँ वहाँ। लगता है हमारे हीरो आ गया, मैं उसे सीन समझा के आता हूँ। कुर्सी उठा चल, पूरी यूनिट को साथ में ले गया। मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, हीरो भी आ गया, जल्दी करना चाहिए ना। श्रेया, श्रेया, पीपी, अरे कुकी जी आप, ये क्या हो गया? अरे पीपी, अरे ये किसने किया ये? मैं छोड़ूंगा नहीं। ये क्या कर रहे हो? मैं काट डालूंगा। अरे छोड़ो, मैं एक्टिंग कर रही हूँ, मेरी फिल्म की शूटिंग चल रही है। मैं शूट कर दूंगा उसे। किसने किया ये? पीपी, पूरा लाल हो गया देखिए। ये क्या कर रहे हो पीपी? अरे छोड़ो ना आप, पीपी भी, पीपी प्लीज। ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं यहाँ पहुँच गया। ऐसे मत करो ना। नहीं, मेरा मतलब नहीं। आपकी किस्मत अच्छी थी कि मैं पहुँच गया। देखिए कितने कोमल हाथ हैं, क्या हाल किया है। नहीं ना, छोड़ो ना, अभी ठीक। सर देखिए लाल हो गया, बीपी लाल हो गया। सर मैं क्या कह रहा था? चुप बैठो प्रलय प्रताप, बात तो मुझे इनसे करनी है। अग्नि को साक्षी मानकर जो फेरे लिए और मुझे पति के रूप में स्वीकार किया, उसका ये सिला? आप जो समझे वो तो चुप। तुमसे क्या सवाल करूं? सवाल तो मुझे इनसे करना है। 7 साल मैं तुम्हारा जूनियर और 13 साल मैं तुम्हारा सीनियर, इतना प्यार इतना आदर, और अब ये प्यार यहाँ? सर इनको बांध दिया था और बात तो मुझे इनसे करनी है। तुम 7 फेरों का मतलब जानती हो? ये इतना महंगा मंगलसूत्र जो मैंने दिया तुमने पहना है, उसका अर्थ समझती हो? हाँ, लेकिन आप चुप बैठो। सवाल तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ प्रलय प्रताप। सर इंसान को चुप, मैं सवाल तुमसे पूछ रहा हूँ। चुप, तुमसे पूछ रहा हूँ। चुप, तुमसे पूछ रहा हूँ। चुप, तुमसे पूछ रहा हूँ। तुम दोनों से मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि तुम दोनों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? चुप 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 हो जाओ। श्रेया 10 मिनट में चर्च पहुंच रहा हूं। ओके। तुम्हें क्या लगता है ये डील हो पाएगी? डाउट है तुम्हें? नहीं, हमारी स्टोरी उलटती पलटती रहती है ना। ए बेबे, क्या कमाल लग रही है यार। How you doing? I'm fine. Oh, very fine. I'm also fine. Are you from here? Yeah. I'm also from here. Very good. So, are you free in the evening? What nonsense? Shut up. Sorry. By the way, I'm Cheetah Singh. What's your name? Sorry? Udhar. Huh? Uttari ma. Arey Ranjit, gaadi rok. Arey, maal ka khyaal rakhna. तू यहाँ? तू वहाँ कौन है? अरे कहाँ गया? उधर देख, उधर चिपते,
किसकी गाली है? अरे अरे एडी अपना एडी भाभी जी नमस्ते। अरे क्या मुक्का भाभी जी, भाभी जी प्रणाम प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम। गाड़ी से उतर। अरे क्या क्या कर रहा? अब बैठो। भोली भाली लड़की को भगा कर ले जा रहा है। इतनी बड़ी डील थी रंजीत, 50 करोड़ मार डालेगा। हाँ पपीता बोलो, ठीक है मैं देखता हूँ। वाइफ का फोन, नल का वॉशर खराब है, प्लम्बर चाहिए। तेल तेल लेने गया तेरा प्लम्बर और वॉशर। अरे चीटा भाई आप जिंदा हो? हमने सुना था आपका एनकाउंटर हो गया। क्या बोल रहे हो? क्या क्या बोल रहे हो यार? तुम्हारे मौत का न्यूज सुन के सदमे में हमारी अम्मा मर गई। बे सुदामा मौसी बाईपास हो गए। कब 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 क्या कर रहे हो? तुम थे कहाँ? अरे हम तो हरिद्वार में थे भैया, उनका नया जिम का सेटअप बिठा रहे हैं, तो चर्चा में थोड़ा टाइम लग गया। बड़ा सेटअप है ना। थोड़ा श्रेया ये सारे मेरे दोस्त है। हाय, ये हजारी मुरारी और चीटा जी। वो जब मैं फाइनेंस कंपनी में कुछ दिनों के लिए काम कर रहा था ना, तो ये लोग मेरे साथ काम कर रहे थे। ये हजारी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर थे यार। और ये मुरारी लीगल एडवाइजर थे हम। और हमारा क्या था, ऑफिस खोलते भी हम ही थे और बंद भी हम ही करते थे, चौकीदार थे हम। और ये है श्रेया, पीपी की भांजी, और मेरी भाभी, तुम्हारी भाभी। तुम्हारी भाभी दुर्जन का फोन है, क्या करूं? बात कर बात कर। मैं नहीं, बात करो। अबे बात कर। हाँ बबीता भेज रहा हूँ प्लम्बर को। क्या बकरा है? ब्लैक कोबरा बोल रहा। हाँ बोलो भाई प्लम्बर, कितना पैसा लगेगा? प्लम्बर नहीं मौत का। गुजरात का फोन। हाँ ठीक है, तुम काम करो, पैसा मिल जाएगा। प्लम्बर दुर्जन। काट दिया। अबे चला यार गियर बदल। सर इससे ज्यादा तेज नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी इससे तेज? सर गाड़ी दम तोड़ देगी। वो तो दूर निकल गए। गाड़ी भी तो नहीं भाग रही है सर। ये लो, खराब होगी। अबे गाड़ी खराब होगी, अब क्या करें? सर मैं ठीक करता हूँ। जब तक तू देखेगा वो तो गायब हो जाएंगे। अरे क्या स्पीड से आ रहा है, मरवाएगा क्या ये? गाड़ी हटाओ, गाड़ी हटाओ। अरे देख नहीं रहा पुलिस? अरे गाड़ी बीच में क्यों खड़ी करके रखी है? अरे बीच में कहाँ, साइड में। गाड़ी नहीं निकल पा रही इसलिए तो बोल रहा हूँ। अरे निकल क्यों नहीं पा रही, सीधे जाना। ठोक दूंगा। अबे तू क्या ठोकेगा, ला मैं ठोक के दिखाता हूँ। अबे इसका नंबर याद रखना। yes, ये क्रिमिनल लगता है। ओरे, ओरे। मैं कहता हूँ देख चला। अबे ड्राइवर हूँ क्या मैं तेरा? ठोकी देता हूँ सारा। मैं कहता हूँ रुक जाओ। अरे वहां गोली नहीं पहुंची, तेरी आवाज कैसे पहुंचेगी? लगता है छटे हुए लोग हैं, शायद इन्हें पता लग गया कि गाड़ी में 50 करोड़ का माल है। पर मुरारी एक बात बताओ, ये पुलिस पीछा कर रही है समझ में आ रहा है, पर ये कौन है साला गोलियां चला रहा, पीछा कर रहा, क्या 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 चला रहा है? वैन उसी की है। अरे वैन लेके भाग रहे, कोई उसकी बहन लेके थोड़ी भाग। बहन रोको, वैन रोको। अब ये वैन नहीं रुकने वाली। अरे यार हमें भी जीना है, हम गाड़ी रोको, हम हजारी उतर जाते हैं। और वो तुम्हारा चाचा तो पीछे कर रहा है, उसका क्या? अरे सुन, कोई ज्यादा गड़बड़ करके तो नहीं भाग? अरे गड़बड़ ही काम किया है, अब गाड़ी रोके। वाइफ का फोन। हाँ बबीता भेज रहा हूँ प्लम्बर को। ठीक है वाइफ। प्लम्बर नहीं दुर्जन। अच्छा बात करा स्पीकर पे। हाँ बोल दुर्जन, बोल। दुर्जन नहीं, दुर्जन सिंह जी बोल। नहीं बोलिए। अरे हाँ श्री, 1008 माननीय दुर्जन सिंह जी, अरे आप ही के काम में लगा हुआ हूँ। और कितना वक्त? अरे सब्र दुर्जन सब्र। लेकिन देखिए मुरारी, हमारा ज्ञान क्या कह रहा है कि बात कुछ और है भैया। अच्छा काम करिए, गाड़ी रोकिए, हम उतर कर पूछ कर उनसे आते हैं कि भैया क्या है।
टोपी दे, तेरे पीछे पड़ी। निकलो। मैंने कहा पहले उतार था, माँ बहन करने आ गए। रुको। आइए। चलो। कैसी पलटा खाई। ये क्या है? अरे माँ, इसके चक्कर में गोलियां चल रही थी बॉस। अरे बाप रे, चल 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 चल। नहीं नहीं, बाइक उठा ले, बाइक छोड़ दो, फंस जाओगे सालों। साले। अरे बाप रे, कहीं उनकी जान न चली जाए। अरे तुम्हें उनके जान की पड़ी है और मुझे मेरे माल की पड़ी है। रंजीत, एक बात बता, तू उनके साथ है कि मेरे साथ? इडियट। नहीं तो मुसीबत में फंस जाएंगे हम सब। श्रेया, तुम पागल हो गई हो? इतना बड़ा खजाना हमारे हाथ लगा है और तू कहती है पुलिस को दे दो? यार अपना नसीब है, घंटे का नसीब है। अरे मरते मरते बचे इस बाइक के चक्कर में। माल के लिए तो सीने पर गोली खा लूं मैं। लेकिन जल्दी उतर रंजीत। अरे भाग। मैं क्या बोलता हूँ रंजीत, तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ। हाँ, लेकिन मैं ये क्या देख रहा हूँ? यही कि वो लोग यहाँ नहीं है। ये बैग नहीं चाहिए, ये बैग नहीं, फांसी का फंदा है। कहाँ गए? गजराज, तुम वो देख पा रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? मैं क्या देख पा रहा हूँ? वो देखो, बैग में से सोना निकाल लो और बैग यहीं छोड़ दो। क्या बोलते हो? वो मेरा बार है। ये भागो रे, ये भाग, चलो रे, चलो पकड़ो। अरे वो देखो अंदर।
फिर वही प्लम्बर, फिर वही दुर्जन। अरे यार, ये दुर्जन उसी का काम कर रहे हैं, ये समझता क्यों नहीं है? अरे ये दोनों तो वही है। रंजीत, पुलिस। किसी एक रेस्टोरेंट में डाक पीछे भी है, चल 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 चुप। अरे हजारे मुरारी पुलिस के ड्रेस में, ये बैग मेरी बात सह भी एकदम फर्स्ट क्लास। चलो रंजीत, बैग शीला, कहता हूँ बैग मुझे दे दो, ये बैग मुझे दो। आगे मुझे मत, रंजीत बैग सीता मार, अरे एक मिनट जरा कॉक कर लो। चल बैग ले रंजीत, चल भाई ठोक दूंगा साला, चल गाड़ी में बैठ, गाड़ी में बैठ। हाँ आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो भैया? लड़के को नहीं चढ़ने का, बैठ गाड़ी में बैठो। अरे गाड़ी में बैठ नहीं तो ठोक दूंगा। इन्हें क्यों गाड़ी में बिठा रहे हो? दरवाजा बंद कर। अरे प्लानिंग है। अरे कैसी प्लानिंग? स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी? अरे बैग मिल गया है, ये कैसी स्ट्रेटजी? हम कहाँ बैठे? अपनी गाड़ी में बैठेंगे। हमारी गाड़ी? अरे हमारी गाड़ी गई। अरे ये गाड़ी लेके कहाँ? बीबी साहब, अरे कौन है बे? सर इनको छोड़िए, इनको छोड़िए सर, वो एडिस रिया मैडम को लेके भाग गया। क्या तू क्या कर रहा था? सर आपके ऑर्डर का वेट कर रहा था मैं। चल गाड़ी निकाल। ओके इनसे गोली मांग ले। तुम्हारा मामा यहां तक पहुंच गया, कुछ करना पड़ेगा। ये लो फोन लगा मामा का। हेलो मामा जी, मामा जी। हाँ बेटा श्रेया, कहाँ हो तुम लोग? एडी ने मुझे किडनैप कर लिया है, ये लोग भोपाल हाईवे की तरफ जा रहे हैं। भोपाल हाईवे? अरे ये भागम भाग कब थमेगी? चार घंटे हो गए, जान पे आई हुई है और भाभी बैठी इसलिए कह नहीं पा रहा, पेशाब लगी हुई है। साइड लगा, साइड लगा। कहाँ इतना पानी पीते हो बे? अभी पेट हल्का हो जाएगा, फिर पानी मांगो, फिर कहोगे मुतादो, क्या मतलब है? ए, सामने वो गांव दिख रहा है, क्यों ना हम आज रात वहीं पर बिता दें? करेक्ट है, कल देखते कहाँ जाना। एकदम सही है, पहले इसे मुतादो नहीं तो गाड़ी मुत देगा। मालिक 500 रुपया? हाँ सरकार। सरकार सरकार 500 रुपये में तेरी चिता भी नहीं जलेगी। अरे दुर्जन को पता चलेगा तो तेरे खेमे में आके तेरी बेटी के साथ मौज मस्ती करके बकाया वसूल करेगा वो। चल तेरी बीवी का मंगलसूत्र लेके आ। नहीं सरकार। दबाना जोर से। जा बीवी का मंगलसूत्र लेके आ, जा जा। करेला करेला है। इस कमीने को मंगलसूत्र दे दो, चूड़ियां पहना दो, इसकी मांग में सिंदूर भर दो। अरे ये कीड़े को जलाया क्यों नहीं अभी तक? इसकी पूछे निकाल दो, लिपस्टिक लगा दो, धोती निकाल के साड़ी बना दो, ए तो अपने घर जा। अरे इसको नचवाओ, इसको औरत बना के। हाँ मेरा बाबू छे कबीला में तो नाचूंगी आज तेरी जान का। अरे मेरे सामने, अरे इसके गले में दो चम्मच सिंदूर डाल के नीचे से आग लगा दो। उल्टा लटका के चला डाला साले को। ये कौन भाषण दे रहा साला? सिपाही हूँ। हमारे गांव में पुलिस? सर्वनाश कर दूंगा सबका, मेरे सामने आना नहीं, मार दूंगा। अरे अरे गिन्नी के घर में आग लग गई, गिन्नी मर जाएगी, बचाओ रे। अरे भागो, अरे उनका बचा लो रे। चुटकी चुटकी इधर आ, चुटकी चल बाहर निकल। कमीना पागल, बचाओ, कोई बचाओ।
पागल है, उसका मत मारो। हजारी नाम है हमारा। लोहे को लोहा ही काटता है। इधर आ, इधर आ। देखिए, भीड़ पिता, मुंह में लगा, मुंह में लगा, मुंह में लगा, लगा मुंह में सालिम को। तेरी माँ का गायब है, गांव का शरीफ शरीफ लोगों को गाय मार रहा है। नाया कितने दिन से नहीं है? बहुत दिनों से। मन नहीं करता? जी। ठीक से खड़ा। हाँ। तेरी दुश्मन, इसको भगाओ, देश बचाओ, इसका अंत तो बाप का अंत। तुम बैठो, मैं परोसती हूँ। ठीक है। ये खाना आ गया। खाना मिला, खाना मिला। मेरे लिए एक और, मुझे तो बहुत भूख लगी है। बिल्कुल। थैंक यू। अरे कहीं पीने वीने का व्यवस्था है गांव में कहीं? सब्जी लोगे? और हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। डालो। आराम से, आराम से। आ बस, नाम क्या है तुम्हारा? काली मिर्च। कहाँ? अबे यहाँ नहीं, बुलाल वाली। इतने प्यार से लोग खाना खिला रहे हैं, इधर देखो। तुम्हारा आचरण और तुम्हारा नाम एकदम मेल खाते हैं, बहुत अच्छे। मिर्ची, तुम्हारा का नाम है गिन्नी। भाई बहुत सुंदर गांव है भाई। अरे बिटिया, एक ही थाली में खाओ, इससे प्यार बढ़ता है। अम्मा जी, मैं भी इसको कब से यही कह रहा हूँ, लेकिन ये बात माने तब। चलो। अरे अपने हाथ से खिलाओ। आप खाएंगी? नहीं बिटिया, तुम खिलाओ। नाइस। अब तो खाना ज्यादा ही टेस्टी है। वाह। सब्जी? हाँ बच्चा, एक मिनट, गिनी सब्जी तो दे दे। सब्जी लोगे? और हाँ, रखो रखो, धन्यवाद। आप भी लीजिए। तू काहे खाना नहीं खा रहा? नहीं खाऊंगा, जब तक उस दुष्ट दुर्जन सिंह का सर्वनाश नहीं हो जाता, मैं खाना नहीं खाऊंगा। मेरी छोटी सी बेटी थी। आग आग लगी, आग लगी, आग लगी। बेटी, बेटी, सब लोग आ गए ना, सब ठीक कर देंगे। तू रो मत बेटा, तू रो मत। ले ले अपनी मैया के हाथ से खा ले बेटे। नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। मैया के हाथ से खा ले रे, खा ले मेरा बच्चा, खा ले, खा ले। उस माल अपनी दीदी को भेजो जरा। दीदी का क्या करोगे? हो सकता है उसको हमसे कोई काम होना। तो तुम्हारे काम लड़कियों से ही क्यों ज्यादा होते हैं हजारी? क्या क्या इतनी चरित्रहीनता, क्या क्या मैनियक हो क्या? खाना खाओ। बचवा, तुम कहाँ थे? हम तुमको कब से खोज रहे हैं? अम्मा यहीं लेटे हैं, हम तो तब से यहीं लेटे हैं। दारू गटक के आए हो? का बोल रही हो अम्मा? बैसनो समाज के हैं, हमारे यहाँ चिकन में प्याज और लहसुन भी नहीं पड़ता। का मतलब है अम्मा? अरे बाल धूप में नहीं सफेद किए। अच्छा। तुम्हारे मुँह से बास आ रही है। नहीं नहीं, वो तो हमारा दवाई चल रहा है। कौन का ना हमारा दवाई? अरे बदमाश कहीं का, तू ही बिगाड़ रहा है इसको। ये सुखा ले। आग से पूछो। आग भाई साहब कह रहा, हाँ सुखा ले। सुखा लो। कपड़े सुखाने की जगह ही नहीं मिलती इंडिया में। चटनी खाई थी? तुम बनाई थी क्या? नहीं।
मतलब कल मोजा भी धो लेंगे, ठीक है? ये देखा ये? कभी सुना है? शोले फिल्म में अमिताभ बच्चन बड़े प्यार से जया भादुरी जी को बजाते हैं। अपना भी यही इरादा है कुछ। जल रहा है, गमछा जल रहा है। सारी गंदगी मचाने का ठेका इन्होंने ही लिया। गमछा संभलता नहीं है, फैमिली बसाने चले। उठिए, अरे उठिए, चलिए सो जाइए। इतने गुस्से में क्यों यार? बताइए। एक ठो काला टीका लगा लिया करें आप। क्यों? कहा है कि हमें अपने पर बहुत कम भरोसा है। वैसे एक बात कहें आपसे, अमिताभ बच्चन जी अंत में मर जाते हैं, मालूम है? गांव के लोग बहुत जल्दी सो जाते हैं यार। ये गांव कितना अच्छा है, यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं। एक ही दिन में कितना प्यार दिया है ना इन लोगों ने। हाँ, दो दो चार करोड़ इस गांव के लोगों में बांट देंगे। तुम अपने हाथों से सबको दस दस लाख रुपए दे दो। तुम हर चीज को पैसों से क्यों तोलते हो एडी? तुम्हारे इसी नेचर से मुझे बहुत डर लगता है। और मुझे तुम्हारे गुस्से पे प्यार आता है। लाइसेंस के बिना ड्राइव करना अलाउड नहीं है, सजा हो सकती है। इस लाइसेंस बनाने वाले को तो मैं गोली से मार दूंगा। अबे यहाँ पानी नहीं निकल रहा, तुम आग मूत रहे हो यार। चुप। कहाँ है साला की? है मुरारी, तू मेरा भाई है साले, लेकिन कभी कभी दिल करता है कि तुझे एक दो तीन रख के मारूं कान के नीचे। दिल करता है। सो जा। क्या है कि मैं दिल की नहीं सुनता, सीधे कर देता हूं। क्या मुरारी, क्या कह रहा है? पाप से धरती फटी। अबे एक रात में आग बेच रहा है, दूसरा साला थप्पड़ मार रहा है, बताओ। एकदम पटाका लग रही हो आज, ऊपर से नीचे तक ठर्रे की बोतल। ये जो साड़ी और ब्लाउज के बीच जो गैप है ना जाने मन, ये बहुत खतरनाक हो रहा है। देखो आज बस रोकना मत। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, छोड़ो ना। अरे कपड़ा बदलने का क्या जरूरत है भाई? अपने ही डिपार्टमेंट की? क्या यार, अपना समझा था तो। अरे मुगल सराय आ गया क्या? ये मजिस्टे। अबे खटिया पे सो रहा है कि चिता पे सो रहा है यार? आज कितने दिनों के बाद हमरा बचवा चैन से सो रहा है। हे भगवान, इस गांव में अब सुख और शांति दे देना, सुख और शांति दे देना। हम पे किसने लाल साड़ी डाला, मार डाला। ए भिखारी, कहाँ जा रहा है? ए, भिखारी नहीं हूँ मैं, लोहा सिंह हूँ। ए रुक जा। अरे लोहा सिंह हूँ मैं, साड़ी पे मत जा। अरे ये क्या? बताता हूँ फुर्सत में। अरे लोहा सिंह, अंदर जाना मना है। अरे भैया जरूरी काम है, मुझे जाने दे। अरे बड़े सरदार साहब की रियाज चल रही है। अरे तू समझ क्यों नहीं रहा? फिर वो पिल्ला गजराज हाथ से निकल गया। आदमी बड़ा तो सांप की तरह फैल जाओ, मिल जाए तो पहले माल हासिल करो, उसके बाद सबको गोली मार दो। झूठे सरदार। ठीक है सिंह,
ये औरत कौन है? औरत नहीं, लोहा सिंह हूँ सरदार, लोहा सिंह। लोहा सिंह, तुमने लिंग परिवर्तन कब किया? लिंग परिवर्तन नहीं सरदार, कपड़ा परिवर्तन किया हूँ। कपड़ा परिवर्तन नहीं करता तो मेरा लिंग परिवर्तन हो जाता। इतने साल के बाद गांव में पुलिस आई है। पुलिस? हाँ। क्या बकवास कर रहा है? बकवास नहीं, सच कह रहा हूँ। हमें इतना पीटा कि हमें धो डाला, और गांव वालों ने सारा वसूली का माल छीन लिया हमसे। इतना सब हो गया, बड़े सरदार कहाँ है? वो रिचार्ज क्या कर रहे हैं? रियाज कर रहे हैं। वही कर रहे हैं जो मुझे पसंद नहीं है। मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है। पुलिस पसंद नहीं है सरदार। आप कुछ कीजिए सरदार। पुलिस कुछ कीजिए, नहीं तो आपका लिंग परिवर्तन हो जाएगा। केशव, माधव, अली, अजीत, लोहा कह रहा है गांव में पुलिस आई है हम पर नकेल डालने के लिए। पुलिस गांव वालों को हमसे बचाने के लिए। पुलिस अब से 15 साल पहले भी तो वहां पुलिस चौकी का उद्घाटन हुआ था, फूलों से सजाया गया था उसे। एक ही झटके में मैंने उसे आग का शोला बनाया था। फर्ज के जोश और जुनून से जवानों को आग में जला दिया था। इन कोबरा ने तब भी पुलिस नहीं थी, अब भी पुलिस नहीं देगा, नहीं रहने देगा। क्या बात है, क्या कहने बड़ी भी। जीती रहो जीती रहो। बंद करो ये सब। ये कोई अमीनाबाई का कोठा नहीं, डाकुओं का अड्डा है। और तुम उमराव जान नहीं, डाकुओं के सरदार हो। बड़ी भी, मैं सरदार बाद में पहले कलाकार हूँ। कला का खजाना ऊपर वाले ने मुझे बख्शा है। मेरी नस नस में कला का बारूद है, और ये सितार के सुर मेरी सांसें हैं। इसके बगैर मैं जी नहीं सकती। मैं इससे पहले कई बार तुम्हें कह चुकी हूँ। चुकी नहीं, चुका हूँ। आप मेरे बड़े भाई हैं, और आपकी इन सब हरकतों की वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। हमें विरासत में हथियार मिले हैं, घुंघरू नहीं। आज के बाद ये सब यहाँ नहीं होगा। से नाच गाना नहीं होगा। ये किंग कोबरा का हुक्म है, सुन लिया सबने? अब तक तुमने बहुत बार बहुत कुछ किया है, तुम ये भी भूल गए कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। अरे कलाकारों के लिए साज गुरु होते हैं, भगवान होता है, और हम अपने भगवान का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए सज्जन सिंह, हमेशा हमेशा के लिए ये अड्डा छोड़ के जा रही है। नहीं, जा रहा है। रुक जाओ। मुझे माफ कर दो। पहले से अंदर रखो। माफी इस सास से मांगो। इससे? मुझे माफ कर दो। ठीक है। आफरीन बड़ी भी, आपका दिल कितना बड़ा है। काश इस संसार के सभी मर्द आपकी तरह हो जाएं। बावली हो गई क्या? अरे सारे मर्द मेरी तरह हो जाएंगे तो मेरे सपनों का शहजादा मुझे कैसे मिलेगा? जय बजरंगबली, तोड़ दुश्मन की नली। एक ही बार में हमारा दिल और नारियल दोनों तोड़ दिया। बुलाइए इनको जरा। मेरा बच्चा, ई कॉलर हमेशा ऊपर रखना, कभी भी नीचे नहीं करना। वेरी गुड जी। भगवान ने तुम लोगों को ई गांव का उद्धार करने के लिए भेजा है। गांव वालों, अब हम लोगों को किसी का भी डर नहीं, दुर्जन सिंह का भी डर नहीं। अरे हमारी रक्षा करने के लिए ई लोग जो आ गए है। अजय प्रकाश, IPS ऑफिसर रिपोर्टिंग सर, जिंदाबाद। ट्रेनिंग इन बैंगलोर 1978 बैच। Now recruited in Madhavgarh। क्या हो? मेरे प्यारे दोस्तों, अब अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ेगा। हमारी सेनाएं सरहद पार कर चुकी हैं। हिंदुस्तान आजाद होकर रहेगा। तालियां! बस बस। सर, अब आपने चौकी को संभाल लिया है, अब आप अपनी सेना को कुछ आदेश दें, जनता को कुछ संदेश दें। मैं?
सर हाँ मेरा मतलब है यस सर तुम लोग समझ रहे हो ना कि तुम क्या हो कौन हो बिल्कुल बिल्कुल कहाँ से आए हो किस लिए आए हो सही जा रहे हो मुझे पता है कि तुम समझ रहे हो मुझे ये भी पता है कि तुम ये भी समझ रहे हो कि तुम्हें करना क्या है क्यों करना है कब करना है कैसे करना है किस लिए करना है सब पता है और वो क्या नाम दुर्जन सिंह दुर्जन सिंह दुर्जन बुर्जन जो भी है उसको बोल दो कि हम गांव में आए हैं गांव की रक्षा करने और गांव की इज्जत हमारी इज्जत है ये हमारे भगवान है क्या बात है भाई लौंडा तो लीडर हो गया सुनो पुलिस वालों कीतड़ की मौत आती है ना तब वो जंगल की तरफ भागता है और पुलिस वालों की मौत जब नजदीक आती है ना वो लोग माधवगढ़ आते हैं मैंने दुर्जन के कानों में ये बात डाल दी है ए गांव वालों तुम्हारी भी पुंगी बजने वाली है क्या आ गया तुम्हारा बाप आग लग रहा है साला कनखजला पिक्चरों में बहुत डकैत देखा भाई आज एकदम जिंदा डाकू देखने को मिल रहा है सौभाग्य हमारा बैठिए माँ तो बचपन से चाह रही थी कि हम डाकू बने माधवगढ़ की महान आत्माओं अब महान है अति बुद्धिमान है आज दुर्जन खुद आया है आप सबको प्रणाम करने के लिए इतने बरसों से मंदिर में पूजा करते हो भगवान पर नारियल चढ़ाते हो लेकिन भगवान ने आपकी नहीं सुनी क्या ये मुट्ठी भर पुलिस वाले किन कोबरा से आपको बचा लेंगे अब देखना तुम लोगों की कैसे पुंगी बचती है पुंगी डरो नहीं ये तो है इसे दुश्मन का खात्मा कर दो नहीं 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 इससे मोर्चा संभालेंगे अरे मोर्चा की बात अगर मर जाएगा तो इसी लकड़ी से तेरी चिता जलाऊंगा मैं 5 तक गिनूंगा वो पुलिस के पिल्लों को सामने लाओ एक बात बताइए साले 3 और 5 के आगे बढ़ते ही नहीं कम पढ़े लिखे होता का देखने से तो वैसे ही लग रहे हैं भाई एक काम करते पीछे का रास्ता है वहीं से निकल जाते अरे हम अगर इस तरीके से गांव से भाग जाएंगे तो गांव वाले मुसीबत में आ जाएंगे ना तुम बहादुर हो ना हाँ डार्लिंग बहादुर हूँ पर बेवकूफ नहीं हो ना हाथ से कैसे गोली मारूं हथियार कहाँ है हमारे पास अरे ये चल क्यों नहीं रही है 20 साल पुरानी है इस पगलटे ने जंग लगी बंदूक दे दी यार ये लो दुश्मन का खात्मा कर दो अबे इसके साथ ब्रश करूं कि शादी कर लूं गोली कहाँ इसमें चलती कहाँ है 20 साल पुरानी है ना जंग लग गया है अरे भाई सुनो ये वही गांव है जहां पुलिस की बारात मतलब पुलिस वाले आए हैं आए हैं क्या ये तो गजराज है छोटे सरदार साले जंक लगी बंदूक देख के वापस जा रहे हैं असली होती तो क्या होता ये तो साले मेरी पुंगी बच गई भागे दुश्मन भागे भागे भाग गए अरे गोली चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ी तुम्हारी शक्ल देखकर डर कर भाग गए जरा सा सूंघ लिए कि हम यहाँ मौजूद हैं भाग गया ससुर जान रहा आज के बाद गांव के अंदर सुखी सुख होगा हाँ। दुख नहीं होगा नाचो साथी ओए आ गए आ गए आ गए बिन बुलाए बराती आ गए बिन बुलाए बराती
मैं सही कह रही हूँ बड़ी भी। हाँ? ऐसा खूबसूरत, ऐसा बाका जवान, हाँ? इस लाली ने तो अपनी उम्र भर में कहीं नहीं देखा। ऐसा है क्या? ऐसा कसीला बदन, ऐसी नशीली आंखें, आंखें टकरा जाएं तो दिल से खूक उठे। आपकी टकरा गई क्या मासी? नहीं बड़ी भी, मेरी ये मजाल, मैं तो आपकी बांधी हूँ। मेरे बागीचे का गुलाब तोड़ने की हिमाकत कभी ना करना मास्टर जी। दूरबीन दीजिए। हाय अल्लाह, क्या बदन है, हाय हाय हाय, कारीगर ने क्या तराशा है। ये लें, आप ही सेक लें। बड़ी भी, ये वो नहीं है। ये वही है, बख्शी समझ के रख लीजिए बड़ी बी की तरफ से, ठीक है। दूरबीन दीजिए। लश्कर में भेड़ बकरियां हैं, खच्चर हैं, घोड़े कहाँ हैं? यही तो है वो। लाली जी, आपने सही फरमाया था, इस जवान से इश्क का मतलब है मरने से पहले जन्नत का मजा। हाय बड़ी भी, आप बहक रही हैं। मैं बहक नहीं रही हूँ, महक रही हूँ, पिघल रही हूँ। भट्टी पे आइसक्रीम जैसी हालत हो गई है मेरी। ये मुझे क्या हो रहा है, मुझे चक्कर से आ रहा है। बड़ी भी, ये क्या हो गया? पहली नजर में अटकी, डाली पे लटकी। घबराइए मत, हाथ दीजिए। अरे आपको हाथ देके क्या फायदा, मैं तो अपना हाथ शहजादे को ही दूंगी। शहजादे, अरे मैं चूड़ी लिए बैठा हूँ और तुम गोबर में हाथ डाल रही हो। चलो मुंबई, मर्सिडीज गाड़ी है मेरे पास और एक मारुति 800। ले, 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 बहुत बड़े आदमी हैं ये, इनकी 10-10 मिले हैं शहर में। ये पाखाना में चांदी का लोटा इस्तेमाल करते हैं, इतने बड़े आदमी। अरे तो गलती मेरी है क्या, मैं अमीर हूँ, मुझे प्यार करने का हक नहीं है क्या? तुम कहाँ से आ गए, भागो यहाँ से। फालतू बात मत करना, नारी को भोग वस्तु समझने वाले पापी नीच कलयुग के महाकुंभ हजारी तुम। मुरारी, कोई बात नहीं करना मुझसे। हद से आगे बढ़ रहे हो, कल अखबार में खबर छपेगी भैया भाभी ने देवर की हत्या कर दी। क्या हो रहा है, अरे चूड़ी पहना। तुम लोगों को गांव की हिफाजत के लिए रखे हैं और तुम साले गांव के लोगों को डरा रहे हो। ये चूड़ी उसी को दे दे। चरित्रहीन आदमी, चूड़ी पहनाने आए, जहाँ देखो वहाँ चोरी भूल जाता है ये। तुमको अलग से सर्टिफिकेट देंगे हम। नहीं, मैं तो संभालने के लिए बैठा हूं। हम संभाल लेंगे। ओके चलिए गंड जले। रात बड़ी जल्दी चली गई सोने तुम। हाँ तो क्या हुआ कि वैसे अमिताभ बच्चन जी अंत में जाते हैं मर, तुम पिक्चर विक्चर देखते हो कि नहीं? अजय प्रकाश रिपोर्टिंग सर, टारगेट दुर्जन सिंह हाथी पे बैठा था, घोड़ा उसके हाथ में था, बॉम्ब फेंका, पुलिस स्टेशन को जलाकर राख कर दिया। अगर आपका इधर काम खत्म हो गया तो आप कोई अच्छा काम कर लीजिए। जय हिंद। काला टीका लगा लिया करिए। जाइए जाइए। बढ़िया से, इस गांव की रक्षा करना मेरा फर्ज है। कहाँ हो तुम, बहुत याद आ रही है तुम्हारी। कुकी जी, प्रेम भरी नमस्कार। हम लोग यहाँ माधवगढ़ में डेरा डाले हुए हैं ऑपरेशन नीलकंठ के लिए। गुनेगार अभी तक हाथ नहीं लगे। अरे क्या बात है, तबीयत ठीक है ना, तुम हाफ क्यों रहे हो? वो हम वर्जिश कर रहे हैं और कोई कारण नहीं है दूसरा। डार्लिंग थोड़ा बटर देना। अच्छा बताओ, तुम्हारे खाने का ख्याल कौन रखता है? खाने पीने का बिल्कुल ढोले पूरा ख्याल रखता है, बिल्कुल पतिव्रता पत्नी की तरह है। डार्लिंग, मैं पराठे में बटर खाऊं या बटर के अंदर पराठा खाऊं? ओहो खा लो ना। पीपी, पता है सिटी में एक नया मॉल खुला है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, आओगे ना? बिल्कुल चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। टुकी जी, मुझे शॉपिंग करनी है ना पीपी। ओफो पीपी जी, तुम्हारे विरह में इनकी हालत मीरा जैसी हो गई है।
एक काम करो, तुम अपने दो चार फोटोग्राफ्स मेल कर दो ना, देख देख के इनका दिल लगा रहेगा। हाँ प्लीज। मैं अभी भेज देता हूँ सर, लेकिन शट अप। अगर मेरी पारिवारिक जिंदगी में दखल देना बंद नहीं किया ना प्रलय प्रताप, तो मैं तुम्हारी जिंदगी में प्रलय ला दूंगा, वर्दी उतरवा दूंगा, सस्पेंड करवा दूंगा तुम्हें, तुम मूंगफली बेचते नजर आओगे सड़कों पे। सुनाई नहीं दे रहा सर। हेलो हेलो, अबे रख, आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क नहीं है। खींच लेना वो तेरा पर्दे का कोना दफतन। ए फोटोग्राफर, कौन है भाई तू, क्या कर रहा है? कुछ कर कहां रहे हैं, बस आपकी खूबसूरती इस कैमरे में कैद कर रहे थे। जब रात में आंख नहीं लगेगी ना तो इसे देखकर मन बहला लिया करेंगे। पागल है क्या, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? सब कुछ खराब हो गया है, ऊपर से नीचे तक पुर्जा पुर्जा नाकाम हो चुका है, सांसें थम गई हैं। अंदर उठे सुनामी को महसूस कर सकते हो? हाँ। अभी तेरी प्रॉब्लम समझ में आ गई। मीठे, तू गलत दरवाजे पे घंटी मार रहा है। हम तो सिर्फ घंटी मार रहे हैं, आप तो बम फोड़ रहे हैं शहजादे। बड़ी भी हमला कर दीजिए, इशारा करके गए हैं। आप अड्डे पे जाइए, मैं निशाने पे जा रही हूँ। तो मेरा शहजादा यहाँ रहता है, छोड़ूंगी नहीं। खुश तो बहुत होगी माँ, कैसा लग रहा हूँ हजारी पुलिस के भेष में। ये ले, काला टीका लगा ले, खुद की नजर से मर जाएगा। माय फादर कर्नल जनरल इन आर्मी, बता कहाँ कहाँ चोरी की है तूने? अमेरिका में बम गिराया था, बस फोन करके पूछ लो। अरे तुम लोग क्या छोड़ पुलिस खेल रहे हो, वहाँ मेरी इज्जत पे कोई हाथ डाल रहा है, तुम लोग संभालो, ये साला गांव की गुड़ की दुकान। क्या हेलो, कौन है आप? मैं अपने शहजादे से मिलने आई हूँ। क्या तुझे बकरी लग रहा है क्या शहजादा? क्या मैं आपका मतलब समझी नहीं? इशारों को अगर समझो। अच्छा तो हम चलते हैं। अरे ऐसे कैसे, आज ही हमने बदली है लुंगी, आज ही हम नहाए हुए हैं, को बचाने की खातिर अपना खून भी बहाए हुए हैं। पकड़ कलाए तो न छोड़ेंगे जी हम, न छोड़ेंगे जी हम। हुए बेहुनर कमिश्नर कैसे कैसे, ये जमी खा गई हवलदार कैसे कैसे। क्या बात है, गुस्सा गुस्सा इतना हसीन है तो प्यार कैसा होगा। छोड़ दे, सारी दुनिया किसी के लिए ये मुनासिब नहीं, आदमी के लिए। बस यही अपराध मैं 10 बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ। कहीं के तुम्हारी ऐसी की, आप जानते हैं ना इस कैमरे से कितनी मोहब्बत है हमें नीचे। हाँ, इसे हासिल करने के लिए मुझे 2 कत्ल करने पड़े थे। तू कैमरे का रोना लेके बैठा हुआ है, वहाँ इज्जत तवे पे रखी हुई थी मेरी, 2-2 मुस्तंडे हाथ डाल रहे थे मुझ पर, कितनी मुश्किल से भागी वहाँ से, अगर ना भागती तो और हल्ला हो जाता कि दुर्जन के भाई की इज्जत लुट गई है। तेरी इज्जत के लिए इज्जत बचा के भागी, तू मेरी इज्जत निकाल रहा है, कैसा भाई है तू? कभी कभी दिल करता है कि क्या कि अपना जूता अपने सर में मार लूं। ऐसा ना करना।
तेरे जूते बहुत भारी हैं। मेरी जूती ले ले, दिल की भी रह जाएगी और सर भी बच जाएगा। क्या ये, क्या ये? ठीक से खड़े नहीं रह सकते? सब पर बड़े सरदार का असर हो गया है। सब साले रियाज कर रहे हैं यहाँ। मेरी गाड़ी के साथ टिका है, मेरी माचिस गाड़ी पर। उठाओ, उठाओ। जानता है गाड़ी लेने के लिए मुझे दो गांव लूटने पड़े थे, दो गांव। मेरी जान है ये। मट्टी, किंग कोबरा की गाड़ी पर मट्टी, किंग कोबरा की गाड़ी पर मट्टी। आज से ये गाड़ी तुम 24 घंटे साफ करेगा तेरी पगड़ी से। सरदार, सरदार, इसने अपनी आंखों से गजराज को देखा है। ये कैसे हो सकता है? अगर मैं झूठ बोलूं तो इसे गोली मार देना सरदार। इसे मार देना सरदार। लोहा सिंह, मेरी गैरहाजिरी में यहाँ सब कुछ तू संभालेगा। और ध्यान रहे, बड़े सरदार की किसी बेवकूफी से हमें नुकसान नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होगा सरदार। और ये गोडाउन की चाबी है, एक भी दाना बाहर नहीं जाना चाहिए। जय बजरंगबली, 108वीं बार कह रही हूँ आपसे, गांव में तो किसी को भी मेरे लायक नहीं बनाया। पंडित जी ने भी कहा था कि किसी शहर वाले से ही ब्याह होगा हमारा। दुविधा में डाल दिया आपने प्रभु, शहर से एक नहीं चार चार लड़के भेज दिए। अब इन चारों में से मैं किसे चारा डालूं? अब सुन रहे हो कि नहीं प्रभु? सुन रहा हूँ मेरी जान। जान? अरे भगवान के लिए तो सब एक ही जान। तुम्हारे मन की मुराद पूरी होगी मेरी जान। कैसे प्रभु? तुम्हारा चाहने वाला आसपास ही है, तुम्हारा राजकुमार। आसपास? हाँ, मेरे छत्तर छाया से जाओगी तो जो भी पहला मुखड़ा मिलेगा वही तुम्हारे बच्चों का बाप होगा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। चप्पल, चप्पल कहाँ है मेरा? चप्पल। जी, अम्मा से तो बोल लेने दो। अरे रुको तो, ये हैं बिचौले महाराज। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, पंचुगेगा दाना मुर्गा, कौआ मोती खाएगा। तेरे बाप की बारात में आया तू? आइंदा बीड़ी पीते दिखेगा ना तो नीचे से बीड़ी जलाऊंगा। धुआं कहां से आएगा पता है ना? है? एक भी गोनी यहां से वहां हो ना तो याद रखना, सरदार शहर गए हुए हैं और जब तक वो यहाँ नहीं आते तब तक मैं सरदार हूँ, तुम लोगों का याद रखना। जी, जी। मेरी चलेगी। हाँ। लो भैया, लो भैया, बहुत गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? वो छोटे सरदार साहब की गाड़ी लेकर बड़े सरदार साहब निकल गए। तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? हमने उन्हें रोकने की कोशिश की मगर वो माने नहीं। तुम्हें पता है छोटे सरदार को ये पता चलेगा तो क्या होगा? मेरी पुंगी बजेगी, पुंगी। ये पुंगी बस्ती कैसे लोहा सरदार? ऐसे सुनी, गांव की आबो हवा, पुलिस की वर्दी, अपना मामला सेट। भाई अपना तो पूरी तरह मन लग गया। चिता भाई क्या बोलते हैं? डी भाई आपका क्या ख्याल है? यार तुम लोगों का प्लान बिल्कुल सेट है। मुझे भी इस गांव में बहुत मजा आ रहा है। यार लेकिन एक ही प्रॉब्लम है। क्या? अगर वो डाकू वापस आ गया तो? डाकू? क्या है? डाकू बाद में, डकुनी आ गई, तुम्हारे कलेजे धक धक, ये तुम्हारा मन बहलाएंगी, देखो तो। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते। नित्य नमस्कार। शहजादे, क्या वो गाड़ी देख रहे हो? तरस रही है, सालों से हसरत थी कोई शहजादा आए, हमें इस गाड़ी में बिठाए और सैर कराए। ये क्या? ये लो, ले लो, ले लो, ले लो, ले लो। चलो चलो, ये चलो ना, कैसे जान पर खेल कर आई है तुम्हारे लिए। क्या झटके से उठाया है। अरे गाड़ी रोको। मैं
मैंने तो रात में सपना देखा था कि हवाई जहाज उड़ रहे हैं। चलो हवाई जहाज ना सही, गाड़ी तो सही। गाड़ी रोको। और तेज, और तेज। आज मौसम बड़ा बेईमान है, आने वाला यही तो तूफान है। अरे रोको, अरे रोको। क्या रफ्तार है, कमाल है। मुझे बात याद। बादलों में उड़ाओ, चढ़ाओ। मेरी कमर समाचार। ऐसी मुसीबत आई है, हम पर उठाना पड़ रहा है ये बम्पर। अबे ऐसे गाड़ी चलानी है तो मुझे उतार दे यार। चोट है सर, घर बरसेंगे हम पर। जमकर अरे स्पीड कम कर। अबे हमें क्यों मार रहा है यार? अबे रोक गाड़ी, रोक। चलो सरकार, चलो चांद के पार, चलो। भाई की प्लान चेंज है, आग पार के चक्कर में है। बड़े चक्कर, गाड़ी रोको, मेरी उंगली बच जाएगी। और तेज चलाओ, और तेज चलाओ, जो सामने राजा। सब जिंदा है? अगर दोबारा मेरा पीछा किया ना तो तेरी भी हालत ऐसी होगी जैसी गाड़ी की हो गई है। कब करोगे बताओ ना, कब करोगे? मैं चाहती हूँ कि मेरी हालत बिगाड़ो, तोड़ दो, मोड़ दो, मरोड़ दो, झिंझोड़ दो, पर ऐसे मत तड़पाओ शहजादे। पागल है ये? अरे ये तो इसे समझाओ ना। मैं जाऊंगा तभी तो समझाऊंगा ना। मैं जाता हूँ तो समझाता हूँ। क्या हुआ? ये चारों दरवाजे तोड़ के मेरे लिए नरक का द्वार खोल दिया। नरक का द्वार खोल दिया, नरक का द्वार खुल गया। मेरा तो स्वर्ग चला जा रहा है शहजादे। अरे मैं बोल रहा हूँ, मैं गजराज। कहाँ से बोल रहे हो? अरे मुंह से बोल रहा हूँ। मजाक छोड़ो, बोलो। देखो बहुत मुसीबत में फंसा हूँ, बहुत मुश्किल में हूँ। पता है मुझे, जब मुश्किल में होते हो ना तभी मेरी याद आती है। खैर अपनी मुश्किल की बात छोड़ो, पहले मुझे कुछ कहना है। I love you, John. अरे यहाँ मेरी लगी पड़ी है और तुम्हें रोमांस सूझ रहा है? वो डाकू दुर्जन मेरे पीछे पड़ा हुआ है और वो अटैची भी पता नहीं कौन ले गया है। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। I need your help. साले एक शरीफ लड़की नहा रही है, साले घर में माँ बहन नहीं है क्या? हा? अरे तुम भी तो लड़की देखने आ रहे हो। जुबान लड़ा रहा है पुलिस वाले से, जुबान लड़ा रहा। नमस्ते जी, क्या देख रहे हो साहब? पीस देख रहा हूँ। देखेगा साले है? अच्छी है ना? बहुत अच्छी है जी। तेरी सिस्टर कहाँ जा रहा मैं? इधर आ साले, लड़की छेड़ रहा है? हमारे गांव की लड़की को छेड़ रहा तेरी माँ? मजा आ रहा है? भाभी बात करो, मन लगाओ। सलीम का सलाम, कसम से जल परी लग रही है। ये क्या हो रहा है भाई? छोटा देवर, अभी उनको इधर उधर उठा के पटके हो, अब तुम चाहते हो तुमसे लुट जाइए? अरे लुट के आना ना, मैं ना पूछ रहे थे ना, पता कहाँ की रहने वाली हो जी? हाँ? हम चंदनपुर के रहने वाले। अपना चंदनपुर बोल रही हो? हम नौटंकी वाले। नौटंकी का तो हमको भी बहुत शौक रहा बचपन में। अच्छा? हम तो नाचना भी जानते हैं। हाँ मार मार के सिखाए इन दोनों को। चलो इसको चंदनपुर छोड़ो, चल के चलोगी? नौटंकी लोग, चलो आगे बढ़ो। चरित्रहीन लोग, लड़की देखी नहीं कि लाल टपकाना शुरू तुम लोगों का। हाय मुझे चोट लगी। क्या क्या तुमने कहा? तुम नहीं पूछोगे कहाँ? अरे हम पूछ रहे ना कहाँ, ये तो अंधाई से दिखाई नहीं देता। कहाँ पूछो ना। पर अब हो कौन? मैं अबला नारी चंदनपुर में रहती हूँ। अब तो पूछो मुझे क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे चोट लग गई है, देखो ना। भैया करना क्या है? हम जा रहे हैं, छोड़ दो। छोड़ाएंगे, हम छोड़ाएंगे। छोड़ दो ना।
क्या हम छोड़ाएंगे? हम छोड़ाएंगे। इन दोनों ठरकियों से अच्छा है आप इस लड़की को ले जाकर घर पे छोड़ दो। अरे डंडे पर बैठो, इधर उधर कहाँ चढ़ रही हो? संभल के जाना एडी, देखना है हमें तो एडी पे तरस आ रहा है। लॉलीपॉप लेके लौंडा भाग गया। अबे आइसक्रीम तो हम जमाए थे, सब लड़की यही ले ले रहा, हम तो वेटिंग लिस्ट में रह गए। देखो बड़ा एक बात जान लो आगे के लिए, लौंडिया क्या पर्सनैलिटी और लुक पे मरती है, जान रहे हो? अबे अपने लिए बोल रहा है, खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनखा 550, कंधे पे टांगे राइफल। अरे तुम्हारे वो नहीं है एडी? हाँ, तुम यहाँ सिलाई कर रही हो, वो वहाँ मलाई खा रहा है, तुम नौटंकी वाली लौंडिया, क्या नाम है? अरे किसका? रोजी। हाँ, उसके साथ मजे ले रहा है, बचाए हम तीनों और लेके वो चला के साइकिल पर बिठा के आगे बैठ गई। साला 50 करोड़ लेके घूम रहा हूँ फिर भी साइकिल चलाना पड़ रहा है। पकड़ लिया। तुम यहाँ देखो, मैं एक पुलिस वाला हूँ और किसी ने मुझे ऐसा देख लिया तो मेरे लिए अच्छा नहीं है। हाय सरकार, अगर आप भी मेरी तरह प्यार में डूब जाएंगे ना तो दुनिया की फिक्र नहीं रहेगी। तुम चाहते क्या हो? चाहते तो हम बहुत कुछ है, लेकिन फिलहाल आपके पर मुझे कुछ गड़बड़ लगी ना तो तुम्हारी जान ले लूंगी मैं। जान है नहीं ना मेरे पास, मतलब जान और दिल मैं दोनों तुम्ही को दे चुका हूँ ना। दरोगा जी, इनके लिए ना जान बाज में दे देना, उधर हरियाणा जहर खा कर जान दे रहा है उसको बचा लो। कहाँ है वो? वो घर में और का उधर है। चल इधर आओ। कुछ नहीं होगा बाबा, आप चिंता मत करो। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। उनकी तबीयत कैसी है अभी? मैंने इंजेक्शन दे दिया है, अभी वो खतरे से बाहर हैं। आप लोग मिल सकते हैं उनसे। शुक्रिया। नमस्ते। अरे वो हकीम साहब तो मिले। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं डॉक्टर। एक मिनट एक मिनट, जहर क्यों खाया आपने? अरे जहर ना खाए तो और क्या करे, गांव के 9 लोग जहर खाकर मर चुके हैं। अरे भी बच्चों को भूखा मरते देखने से तो अच्छा है खुद ही जहर खाकर मर जाए। मगर ऐसा क्यों? हरा भरा गांव है, जमीनें तो सबके पास है। जमीनें तो हैं, अनाज भी उगता है और किसान मेहनत भी करते हैं, मगर अनाज पहुंच जाता है सीधा दुर्जन सिंह के गोदाम में। कमाल है हजारी, इतनी जाति हो रही इस गाँव में, कोई साला कुछ नहीं कर रहा है। गोदाम कहाँ है? आओ आओ सब आओ आओ, ये है दुर्जन कुत्ते का गोदाम, यहाँ पर रहता है चरम सीमा पे। हट, रुक रुक, तेरी जात का मेरा देश आजाद हो गया। एडी तुम मारपीट क्यों कर रहे हो? हम लोहा सिंह से बात कर लेंगे ना। तुम 2 मिनट रुको, मैं भी आ रहा हूँ। 2 मिनट अकड़ बम्बे बोल, 80-90 पूरे 100 समय लगा था गात चुनकर कथा। ए फोकट, चल दारू रख। क्या बे? अब चल ना मार। तो दारू चाहिए? पी दारू। मेरे देश के छोड़ उसको, छोड़ उसको। अरे पुलिस वाला होके लूट करने आया है? अरे दुर्जन तो तुझे बाद में देखेगा, पहले तुझे लोहा सिंह का लोहा चखना पड़ेगा तेरी तो। मेरे शहजादे के साथ बदतमीजी मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। सीधी तरह चाबी दे, लोहा पिघला के वस्त्रा बना के उसी से तेरा फिर तू भी हमारी जमात में आ जाएगा। एक तरफ लाली एक तरफ लोहा, कत्तर दोहा। चाबी दे वरना गुदगुदी करके जान ले लूंगी। चाबी दे। पहले गाड़ी की चाबी, फिर गोदाम की चाबी, ये दिल की चाबी, एक एक करके सारी चाबियां दे दूंगी तुझे। थैंक यू मीठे मेरे तीखे शहजादे। Hey!
चाबी मिल गई, चलो 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 चलो, चाबी मिल गई, चलो मार दूंगा कोई भी तुझे सामने आया तो। इतना सोना। अरे हवन में बैठा हूँ, बाद में फोन करो। अबे गधे, दुर्जन सिंह बोल रहा हूँ। सरदार, बोलिए सरदार। किस चीज का हवन चल रहा है आपका सरदार? मेरा मतलब है आपकी दीर्घायु के लिए यहाँ पे बहुत पवित्र हवन का आयोजन किया गया है सरदार। मेरी लंबी आयु का। अच्छा है, अच्छा है। चलो सब सामान मेरे घोड़े पे लाद दो। शहजादी, मुझे कब लूटोगे? चीटा भाई, माली माल है। बाकी सब ठीक है ना? मेरे होते हुए यहाँ क्या हो सकता है, सब कुछ ठीक है। तू बेसजा हो गया, कदम दर। बोलो, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हट गई तेरी माँ। हेलो हेलो, ये आवाज क्या है? नहीं नहीं, हटाओ हटाओ, गरीबी हटाओ मतलब पंडित जी ने ईश्वर को प्रार्थना कर रहे थे कि सरदार की सारी गरीबी हटाइए, यही बोल रहे थे। आप अपना काम पूरा करके आइए सरदार, यहाँ आपका तमाम काम बहुत अच्छी तरह हो रहा है सरदार। क्या बोल रहा है सरदार? हवन हो रहा है ऐसा बोला मैंने। अच्छा, तो हमारा सलाम भी बोलना। आपका काम हो गया? हाँ हो गया, चलते। तो हवन कर, हवन का प्रसाद भी लेके गया। मुझे लगता है वहां कुछ गड़बड़ हो रही है, यहां ये साला गजराज भी नहीं मिल रहा, मुझे वापस जाना होगा। पर रजिया की तो गाय खो गई। गाय गुंडों में फंसी, रजिया कुत्तों में फंसी। एक मिनट मैं कंफ्यूज हूँ, एक काम कर सब लिख। रजिया गुंडा कुत्ता दोनों तीनों कैसे हो सरकार? अरे आप आप तो हमें भूल ही गए कसम से। नहीं नहीं, हम नहीं, आपको ये कैसे भूल सकते हैं, इन्हें तो बचपन से लेके आज तक सब बातें याद हैं। एक एक घटना पूछ लो। बोले ना, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? का बताएं, हमारा तो आपके बिना मन ही नहीं लगता। वैसे हम ये बताने आए हैं कि आज चंदनपुर में ना शाम को एक जलसा लगने वाला है। अच्छा, हम नाचने वाले, और हमारा नाच देखने के लिए ना बहुत बड़ी बड़ी हस्ती आने वाली। ओ, मतलब पुलिस का बंदोबस्त है? कोई बात नहीं। ए मुरारी, बंदोबस्त मेरा मतलब है बंदोबस्त की तैयारी कर। बंदोबस्त किसका भक्त को चाहिए? तो हमें तो आप चाहिए। अच्छा, मतलब? आपके बिना ना तो हमारी घुंघरों में वो छनक होगी, ना हमारी थिरकन में वो नशा। आप आएंगे ना? ओए होए, कहिए ना, कहिए ना, आप आएंगे ना? हम आएंगे। घड़ी तो हम भी पहनते हैं, लेकिन कोई इंतजार ही नहीं करता साला। लेकिन भैया हम कहीं जाते भी तो नहीं है। हाँ वो भी तो ठीक है, बड़े प्राइवेट टाइप। तू जुल्फें घुमा दे तो उड़ जाए सेंटर।
हमको मार डालोगी, अरे दिल दे दो क्या दिल का अचार डालोगी, अरे दिल दे दो क्या दिल का अचार डालोगी, दिल दे दो। आशिक पुराने मेरे सारे दीवाने मेरे, बिल्लू क्या टिल्लू सारे अंदाज जाने मेरे, हाँ किसको करार दूंगी किसको दीदार दूंगी, वो है नसीबों वाला जिसको मैं प्यार दूंगी, वादे पे वादा किए जा रही हो, गजब ये गजब क्या किए जा रही हो, अरे खुद को तबाह करोगी हमको मार डालोगी, अरे दिल दे दो क्या दिल का अचार डालोगे, अरे दिल दे दो क्या दिल का अचार डालोगे, दिल दे दो। ऐ मासूम पैगर दिखा के अदाओं के अपनी ये तेवर, खुद को तबाह करोगी हमको मार डालोगी, अरे दिल दे दो क्या दिल का अचार डालोगे, अरे दिल दे दो क्या दिल का अचार डालोगे, दिल दे दो। मेरा पढ़ने में नहीं लागे दिल। अरे यार अंग्रेजी दारू ना एकदम अलग एटमॉस्फेयर हो जाता है यार, लग रहा है जैसे सलमान खान चश्मा पहन के जन्नत में बैठे हैं। बीड़ी पी लो, यही गिरा पड़ा मिला था। लाए लाए माचिस भी। हाँ प्रकाश बीड़ीज। बीड़ी पीकर स्कॉच कैन सेलेक्ट क्यों कर रहे हो, सिगरेट क्यों नहीं पीते? क्या सिगरेट? अरे लाना भूले, ले आते। ले आओ ले आओ। चिंता काहे करते हो, मैं हूं ना, मैं लेकर आती हूँ। ये गलती की ठाकुर साहब, हमें तिजोरी खोल के दिखा दिया यार। वैसे एक बात बताएं, तो चार दिन में पट जाएगी लड़की। हमने देखा है वो का जो कुलबुलाहट है ना, कुलबुलाहट। तुम लोग यहाँ बैठे कुलबुलाहट कुलबुलाहट खेल रहे हो? अरे तुमने उस लौंडिया कुछ बताया बताया तो नहीं? हम ये पूछ रहे हैं कि वो नौटंकी वाली है ना, उसको नशे में कुछ बोल बोल तो नहीं दिए हो? अरे वो मेरी बीवी है, कहीं तलाक ले लेगी, बोलना तो पड़ेगा ना। क्या बात हुई है? क्या नहीं, इनकी तुम्हारी क्या बात हुई? हाय, इनसे कौन बात करना चाहता है? हम तो आपसे बात करना चाहते हैं। हम तो आपकी आपकी किसी चीज के बारे में बात हुई। चीज के बारे में मतलब? दिल के बारे में? बैग के बारे में, 50 करोड़ का बैग कुएं के पीछे वाले मकान में जो हम लोगों ने छिपा के रखा है, उसके बारे में तुम्हें इन दोनों बेवड़ों ने कुछ बताया तो नहीं ना? हंसने की बात नहीं है। हाय मेरे भोले सरकार, आपने तो बता दिया ना। हाय मेरी गुल बखाओ। इतनी जल्दी क्या है रोजी? तुम्हें क्या लगता है कि मैं जानता नहीं हूं कि तुम किस मकसद से यहाँ आई हो? क्या बात है सरकार, आप तो बड़े होशियार निकले, हम तो ऐसे ही आपको लल्लू समझ बैठे थे। क्या है ना, गुड न्यूज ये है कि जिस दुनिया की तुम क्वीन हो उस दुनिया के किंग है। चल बैग ला। आई लव यू, मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। बंद करो ये, बंद करो। क्या क्या हो रहा है ये? क्या कर रहे हो? इतनी रात को कुएं के पास में तुम उसके साथ क्या कर रहे थे? कुएं के पास कुछ भी तो नहीं। अरे मेरी बात तो सुनो, ये सब उसकी चाल थी, वो जानबूझ के उसने ये सब किया ताकि तुम आओ ये सब देखो और फिर जल जाओ और ये पूरा कंफ्यूजन में वो बैग लेके भाग जाए। अरे इतना काहे लड़ रहे हो? अबे वो बैग लेके भाग गई और क्या? कौन सा बैग? डर के वो 50 करोड़ वाला बैग लेके भाग गई वो। तो तो अरे तो क्या, डायलॉग बाजी बंद करो, बैग ढूंढते हैं। चलो उसे पकड़ दे, बैग लेके आ जाओ।
के पिल्ले साले, वो मेरी लंबी उम्र का हवन कर रहा था। मेरी लंबी उम्र का हवन कर रहा कुत्ते, मैं तेरा श्राद्ध करूंगा, आज तू मेरी गोली से मरेगा। सरदार, आप मुझे अपनी गोली से जरूर मारिए सरदार, मुझे तो डायरेक्ट मोक्ष मिलेगा अगर आपकी गोली खाऊंगा तो। लेकिन मारने से पहले मेरी एक बात सुन लीजिए, क्योंकि मरने के बाद मैं वापस नहीं आऊंगा आपको पाठ कहने के लिए। बड़े सरदार है ना, उन्होंने पहले गाड़ी ठुकवाई, फिर अपना गोदाम लुटवाया। हाँ? अभी तो सरदार यहाँ देखिए ना, लोहे जैसे पुलिस को दिल दे बैठे है और दिन भर गाना गाते रहते हैं, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। और मरद मरद का प्यार बड़ा खतरनाक होता है सरदार। गोली मारिए। भूल मेरे बाप की और सजा मुझे मिल रही है। कहाँ है बड़े सरदार, कहाँ है? पुंगी बच गई। इस बीएक के लिए हमने बहुत मरा है बेगम, तेरी कसम ये बीएक हमारा है। चल चल, निकाल बाहर, निकाल लौंडिया को, निकाल, पकड़ पकड़ इसको। नाच गाना दिखा के सारा माल पानी हम लोगों से लेके रफू चक्कर हो जाने वाली थी तुम। ये लेके भागना इतना आसान नहीं है। बेटी बाप, मेरी बेटी, मेरी बेटी, बेटी बाप, बेटी बाप। वो दुर्जन सिंह 15 साल पहले मेरे पुलिस स्टेशन चलाकर चला गया, मेरी बेटी मुझसे बिछड़ गई हमेशा के लिए। ये बिन बुलाए बारात थी, इनकी वजह से आज मेरी बेटी मुझे मिल गई। हाँ, इनकी वजह से शुक्रिया। मेरा मुंह मत खुलवाओ। तुम बोलने के काबिल नहीं हो और मैं समझाने के लायक नहीं बचा। मैं सही कह रहा हूं दुर्जन? दुर्जन नहीं, दुर्जन सिंह जी कहो। दुर्जन सिंह जी, वो सूटकेस उन्हीं के पास है। और जानना ही चाहते हो तो सुनो, वो लोग पुलिस वाले नहीं हैं, बल्कि हमारी तुम्हारी तरह चोर लफंगे हैं वो। हम जैसे नहीं, तुम लोगों की तरह उचक्के। महाराज आप तोप हैं, आप किंग हैं। किंग कोबरा है, आप बादशाह है जापना। इस पर आप डायलॉग बाद में मारिएगा, लेकिन कुछ करिए। उन 50 करोड़ का मुश्किल में हम पड़े हुए हैं। करेंगे तो हम ऐसा कि जमाना देखेगा। इस बार का खेल बहुत भयानक होगा। अरे आप पुलिस पे खुद दही के चल रहा है यार। तीरथ, ये सब किसने किया? दुर्जन ने। दुर्जन गाँव वालों को पकड़ के लेके गया हुआ है। वो कह रहा था कि उसका कोई सामान तुम लोग के पास में है, जब तक वो सामान तुम लोग दोगे नहीं वो गाँव वालों को नहीं छोड़ेगा। और सुनो, वो तो कह रहा था कि तुम लोग चोर हो, असली पुलिस वाले नहीं हो।
असली पुलिस वाले नहीं हो तो नहीं सही, लेकिन इंसान तो हो। गांव वालों को बचा लो, नहीं तो वो मार डालेगा। भूत चली मैं। सुनो मेरी बात, हम किसी को कुछ नहीं होने देंगे। गांव का हर आदमी सही सलामत वापस आ जाएगा। अबे मुंह से ही ले आएगा सबको, क्या पहलवान क्या करेगा? उसे उसका माल वापस देंगे। पागल है, माल कैसे वापस दे देंगे यार? माल इतनी, तुम कुछ बोलोगी यहाँ पर? क्या बोलोगी बोलोगी बोलोगी, इंसानियत बची है कुछ? हम माल लेके अयाशी करेंगे और हमारी वजह से गांव वाले लोग बलि का बकरा बनेंगे, ये नहीं होगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, किस बार तो भैया आमना सामना हो ही जाए, क्या बोलते? बिल्कुल सही, हमें उन्हीं की चाल से उन्हें मारना होगा, लेकिन हम करें क्या? वो मुझ पे छोड़ दो। देखो इन बेवकूफों को। अरे जब किंग कोबरा से असली पुलिस तुम्हें नहीं बचा सकी तो नकली पुलिस क्या बचाएगी? अब मुझे कुछ लाशें और बिछानी पड़ेंगी, वैसे भी मेरा खाता ऊपर इतना भारी हो चुका है। और तू, तू तो मेरे सामने नहीं आना, ये सब तेरी वजह से हुआ है गजराज। अरे यार ये मेरे ही पीछे पड़ा रहता है, मेरी क्या गलती है दुर्जन? दुर्जन नहीं, दुर्जन सिंह जी कहो। इनमें से चार लोगों को बाहर निकालो और गोली मार दो। रुक जाओ। देखो कौन है ये? ये वो छरे लोगों का सरदार, और ये है ना, ये उसकी अनारकली। ये है जो किंग कोबरा से मुकाबला करेगा। ये तू भाग्यशाली भी है और होशियार भी है, जो मेरे गहनों का सूट के साथ में लाया है। इतनी जल्दी क्या है, पहले गांव वालों को छोड़ दो। अभी नहीं, बहुत दौड़ा है ना हमें, आज करता हूं हिसाब बराबर। ये ना तेरी चमक छल्लो। मैंने मना किया था। नंबर क्या है? 98200। मोबाइल नंबर नहीं, बैग का नंबर क्या है? अरे मुझे क्या मालूम है, बैग तो इसका है, नंबर इसी को पता होगा ना। इनका है, लेकिन नंबर मैंने चेंज किया था, मैं बताता हूँ। बताओ। तुम्हारी हार्ड डिस्क करप्ट है, मैं बताता हूँ। नंबर है 219। का हिंदी क्या है? अरे नौ। सरदार हाँ, धोखा हुआ है, लेकिन आपके साथ किसी ने आपको बम से उड़ाने की कोशिश की है। पहचानो अपने दुश्मन को, पहचानो। तेरी खिसक गई है क्या? बकवास कर रही है। ना ना ना, इनकी बातों में मत ताना, ये दोनों बड़े चंट हैं। छोटे तुझे कुछ लोहा? लोहा नहीं भंगार, लोहे का चचेरा भाई। ये तो होना ही था, देर आए दुरुस्त आए, लगे रहो। छोटे तू ठीक तो है ना? मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया। एक साल का था जब माँ ऐसे मेरी गोद में डाल के निकल गई थी। गिल्ली से डंडा बनाया इसको मैंने। कितनी बार बचपन में एक नंबर किया मुझ पे, आज दो नंबर करने पे उतार है तू? मैं इतना खतरनाक डाकू, मेरे एक नंबर दो नंबर के बारे में सबको बताने की क्या जरूरत है? इधर छोटे, ये सब मिले हुए हैं, तुझे सब मिलके मारना चाहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे, गहने हड़पने की लालच में सब लोग एक हो गए। पूछिए पूछिए पूछिए। साला बेवकूफ। कहने का है, बताओ जल्दी। अच्छा, कल के लौंडा लौंडी ने आपको भड़काया और आप भड़क गए हैं? मेरे कैरेक्टर पे डाउट कर रहे हैं आप? करोड़ों का यहाँ से वहां करके दिया मैंने, और ये मंथरा बोल रही, इनका विश्वास कर लिया? मेरे ऊपर शक कर रहे हैं आप? तो गहने हैं कहाँ? गहने यहाँ हैं। रोजी रोजी हाय डार्लिंग। अरे रोजी, ये सब ठीक ठाक तो है ना? ये गहने तुम्हारे पास कहाँ से आए? अरे तुमने तो कहा था कि गहनों वाला बैग अपने पास रख लेना और इनकी बैग में बम रख देना, भूल गए? अरे फंसवा दोगी तुम तो खामखा। अरे ये झूठ बोल रही है सरदार। भूल गए,
अरे वही तो हम कह रहे हैं, अभी तो कब से वही कह रहे हैं। अरे कह रहे इसके पास, हाँ। गर्लफ्रेंड भी इसके पास, हाँ। कब से आपको बना रहा है, अपनी बात नहीं सुनते। छोटे शहजादा ठीक कह रहा है, असली गद्दार तो ये है, ये नहीं। अरे इसकी बातों में अब एक मिनट, ये मेरा शिकार है कमीने, अरे धोखेबाज, ये रोजी कब को जी रहे। ये तो वो अब मुझसे धोखा, खुलवा मेरा मुंह, ये बैग मेरा है, मेरा सपना आज पूरा हुआ है, क्योंकि इस बैग को मैं खोल सकता हूँ, सिर्फ मैं, मुझे इसका नंबर मालूम है, टू 1 9। देखो रंजीत, रंजीत बम बम हो सकता है। 9 अरे मत फोड़ो बम, मैं फटा पड़ा हूँ। अबे और कितना रोकेंगे बे? अब कौन? बैग में क्या है? बैग में घंटा है बाबा जी का। अरे उतारो, उतारो। नीचे उतर। कौन हो बे? कौन है ये? इसी के साथ ही तीनों साले। तुम यार अजीब आदमी हो, हैं? बम वाला बैग हमारे पास छोड़ा है और गहने वाला बैग अपने साथ लिया है। बैग रखिए और गहने वाला बैग लाइए। बैग का बात हमसे करो। तू बीच में काय बोल रहा है बिलौटे? अब गहने इसी बैग में है। इसमें बम है। अरे बम उस बैग में था। अबे तू बीच में काय बोल रहा है? अबे गहना किसी दूसरे बैग में होगा इडियट। तो वो बैग कहाँ है? वो फट चुका है। अबे तू बीच में काय बोल रहा है? दो आपस में लोग बात कर रहे हैं, तेरे को कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे उस बैग में बम था, उस बैग में बम था, इस बैग में बम है, तो गहने कहाँ है? बैग में ही थे। वो बैग कहाँ है? तेरे सामने है। इसमें बम है। अरे बम उसमें था। भाई तू बाहर खड़ा हो, इसको बाहर निकालो यार। हम लोग आपस में डिसाइड कर लेंगे कि किस में बम है किस। ब्लैक कोबरा से बात किया? तेरा तो नंगा नाच करवाऊंगा। गहने इसमें है सरदार। ये लो सरदार, गहने। गहने इसमें? गहने मिल गए, गहने मिल गए। इसमें बम भी तो हो सकता है। बम भी तो हो सकता है। ए गजराज, आप ही खोलिए। बहन जी आप खोलिए, जल्दी करो। अरे लाजवंती संभाल के, तू खोल। अरे बहुत हो गया ये खेल लौंडे। हाँ? ये बैग तू और तेरी ये चिल्लर पार्टी खोलेगी। अरे लेकिन मुझे नंबर थोड़ी मालूम है। ए गजराज नंबर बोल। मुझे मालूम है 219। ए चीटा खोलना। अरे हमसे मत खोलो, अबे हमारी शादी नहीं हुई है, बात चल रही है, कल परसों सगाई है, कुहारे हम नहीं मरना चाहते भैया। खोल नहीं तो भेजा खोल दूंगा। ठीक है ठीक है ओके, लेकिन नंबर एक ही घुमाएंगे भैया, दो बाकी ये घुमाएगा। ओ गमछे, दावत चाहिए क्या? चल खोलो खोलो। ये लो खोलोगी? अरे खोलोगी क्या, इसको खोला तो हम सब खुल जाएंगे। चल अब तुम लीडर हो, तुम इसको ओपन करो, हमारे बस की बात नहीं। लीडर चलो आप। लीडर खोल, मत डर। सोना है। सोना 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 अरे सोना, एक मिनट सोना, सोना 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 सोना। हे रंजन देख सोना, आजा आजा। हाँ तू नहीं, मुझे मालूम था। है तो जान, एक सोना 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 सोना। हे रंजीत, अब तो दूसरी शादी कर सकता है रंजीत। हरा पे
अरे इस हार में तो आपकी जीत है। अब ये हार पहन के मैं अपने शहजादे को पटा लूंगी। मैं मारी जाऊंगी। जल्दी निकलो नहीं तो मारी जाओगी। मैंने मना किया था, हटे में टांग मत लगा। अरे अब तो फट चुका है, अब तो मत छुआ। सब वापस दे दो, बुरा उड़ा दो भाई से। सोना भी है, ये देखो तो, वाह लॉटरी लग गई भैया। इतना तुम रख लो, इतना हम रख लेते हैं, ठीक है, है ना? ठीक ठीक भैया, प्रणाम। कौन है भाई? आप लोगों से कुछ पूछना चाहते हैं? आपके घर में आ जाए। आ जाओ आ जाओ। हाँ। भैया अब एक बात पूछे। हाँ? आप लोग बुरा तो नहीं मानेंगे? ना, ना। नहीं, नहीं, पूछो पूछो। आप लोग धन तो लाए, पर ये बॉम्ब क्यों लाए? अरे धन और बॉम्ब का तो भैया चोली दामन के साथ है ना? पुराना है, पुराना है। अच्छा ये कौन है साथ में? अब भाई साहब क्या बताएं, हम पर तो एक बम फटा, इन पर दो ही फटे हैं। फटा गए तो पूरे खुले हैं। अच्छा बोल के दिखाओ। मेरा मुंह मत खुलवाओ। बात बच्चों तक पहुंच गई तो बच्चों का नाम भी रख लेते। तुम्हारा नाम क्या? गिन्नी। लुच्चे। मिन्नी रख लेंगे, पहले यहाँ से तो निकले। नहीं बहुत बढ़िया, माँ का नाम गिन्नी, बेटी का नाम मिन्नी और बाप चक्कर गिन्नी। बचपन में माँ कह रही कि बड़ा हो के बेटा डाकू बनेगा, डाकू। लेकिन आज जो देखा दुर्जन कन खजेले का हाल भाई, हमारा तो दिल भड़बड़ा गया रे। हेलो हेलो हेलो, एक मिनट बात सुनो, क्या ले जा रहे हो? अरे भाई सोना लेके जा रहा हूँ। किसके लिए? अपनी बीवी के लिए। अरे यार अब हमारी बीवी का क्या होगा? ये आपकी बीवी है तो तेरे को क्या लग रहा था? अरे मैं तो समझा कि आपकी बेटी होगी। अरे बेटी तो अभी होने वाली है, मिन्नी। नमस्ते। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। अरे भाई दूधो ना, पूतो बोलो। माई तू जाके अभी और भाभी के लिए सोना लेके आ। और सोना लेके आ, मां बनने वाली है ना, इसी साल आना, अर्जेंसी है ना। जाना नहीं, मैं आता हूँ। दुर्जन सिंह, याद कर, 15 साल पहले तूने एक पुलिस स्टेशन में आग लगाई थी, जिसकी वजह से मैं अपने पापा से अलग हो गई थी। 15 साल से मैं और मेरे पापा दोनों इस दर्द को अपने दिल में पाल रहे हैं, याद कर। ए छोकरी, मैंने पता नहीं कितनों की जिंदगी बर्बाद की है, तू है कौन? कौन है तेरा पापा? दुर्जन सिंह, इधर देख। पुलिस आ गई। मैं हूँ अजय प्रकाश। देख ये है मेरे पापा, ये है मेरे पापा। याद कर, आज से 15 साल पहले तूने मेरे गांव में मेरे पुलिस स्टेशन को जलाकर राख कर दिया था। तू है वो हरामी जिसकी वजह से मेरी बेटी मुझसे बिछड़ गई। दुर्जन सिंह, तेरे पाप का घड़ा भर गया है। नहीं भरा नहीं बल्कि फट गया है। मामला एकदम अंडर कंट्रोल है सर, ये सबको पकड़। तू तो वही है ना, जब हमारी गाड़ी खराब हो गई थी तू पेपे कर रहा था। सर, क्षमा करें सर, आप तो बड़े बड़े तुल्य हैं सर। क्या तुल्य हैं? आप तो बहुमूल्य हैं सर। रंजीत, मेरा मुंह मत खुलवाओ। अरे वो तो हम खुलवाएंगे, बहुमूल्य से याद है ज्वेलरी का है। ये कौन है? सर ये सरदार है। जी ये तो लोगों का प्यार है। अरे सरदार नहीं, ये तो कलाकार है, दिलदार है। ये गांव वालों का हार है। एक और रिकवरी सर। लो पकड़िए पकड़िए। तो सरदार कहाँ है? अरे पिट रहा उस पार है। आज अंत होगा तेरा। ए, इंस्पेक्टर हट जा, भाग जा। सर जी हट जाइए, ये ब्लैक कोबरा है सर जी, बहुत डेंजर। हाँ ब्लैक कोबरा, मैं अपनी फुकार से जेल की सलाखों को गला दूंगा। ए चुप रह, तेरे जैसे बहुत सारे कोबरों को जेल की सलाखों के पीछे चूहे की तरह बिल में घुसते हुए देखा है। ले जाओ इसको। ले जाओ। तू कहाँ जा रहा है? मैं तो वो उसे वो। यू आर अंडर अरेस्ट। मैं भी जी। मामा जी मैंने तो। खामोश बेटा, अरेस्ट हिम। आई एम अंडर अरेस्ट। यू आर डेफिनेटली अंडर अरेस्ट।
माय अरेस्ट। चालो घूम लो जहाँ भी चाहो।